तो हम आईबीसी से स्टार्ट करते हैं इस क्लास के अंदर। एक्चुअली मैं ना अब तक जो हमने देखा है वो क्या देखा है, हम देखने गए थे मतलब पूरा जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री को देख रहे थे हम। तो मैंने पहले भी बताया कि लाइक एंशियंट हिस्ट्री को हम देखते हैं तो वैसे तो बहुत बड़ा एंटायर स्पेक्ट्रम है इस हिस्ट्री का। हम देखे तो लाइक बताते हैं कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन तो 1300 साल पहले ही हो गया है, अर्थ का फॉर्मेशन 400 करोड़ साल पहले हो गया है, लेकिन हमने हिस्ट्री पढ़ना चालू किया है 5 लाख साल पहले से। उससे पहले की हिस्ट्री हमने क्यों नहीं देखी है, क्योंकि यदि आप उसको देखने के लिए जाओगे तो काफी बड़ा डोमेन हो जाएगा वो, है ना। तो हमको उन सब चीजों से मतलब नहीं है। हम एंशियंट हिस्ट्री जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो हम जनरली 5 लाख साल से स्टार्ट करते हैं, और 5 लाख साल से लेकर 10,000 साल तक जब मैं आया तो मैंने उसको बोल दिया पैलियोलिथिक एज। मतलब लिथिक मतलब वही पत्थर, स्टोन एज की बात चल रही है यहाँ पे, है ना। फिर मैंने 10,000 से 6,000 तक बोल दिया मेजोलिथिक एज, फिर उसके बाद मैंने बोल दिया 6,000 से लेके 1,000 तक नियोलिथिक एज। तो ये लिथिक मतलब ये सारी स्टोन एज की मैं बात कर रहा था। फिर मैं आगे बढ़ा, फिर मैंने मेटल एज की भी बात की, और फिर मेटल एज में मैंने चालकोलिथिक एज आपको बता दी, ठीक है। अब इसी मेटल एज में हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि आईबीसी मतलब ब्रॉन्ज एज, और फिर हम देख लेंगे आयरन एज, ठीक है। तो आयरन एज, ब्रॉन्ज एज वगैरह को, ब्रॉन्ज एज वगैरह को हम देख लेंगे, ठीक है। फिर तो स्टार्ट करते हैं, फिर हम बेसिकली यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं, आईबीसी से। इसकी जो टाइमिंग बताई जाती है, सब लोग जानते हैं कि टाइमिंग इसकी जो होती है 3300 मतलब 3300 से लेके 1300 BC तक बताई जाती है। और बताते हैं काफी मॉडर्न सिविलाइजेशन थी, काफी ऐसी ऐसी चीजें देखने को वहां पे मिली है जो कि काफी मॉडर्न होती है, लाइक डबल स्टोरी हाउस होना, स्टेयर्स होना, ठीक है, बाथरूम होना, है ना। उसके अलावा मतलब कि गेट बाथ होना, नहाने के लिए पक्की हुई ईंटों का होना, ठीक है, और बहुत ही अच्छा बिल्कुल अर्बनाइजेशन वाली प्लानिंग होना, रेक्टेंगुलर के ऊपर कट करना, है ना, गलियों का मिलना, अंडर मतलब फ्लो पानी को निकालने के लिए मतलब कि पूरा सिस्टम होना, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा वाला होना, है ना। उसके अलावा आपका टेराकोटा के पाइप्स वगैरह भी थे उनके घरों के अंदर गंदगी वगैरह को बाहर निकालने के लिए। तो इस तरह से उनकी आर्किटेक्चर वगैरह तो इतना एडवांस आर्किटेक्चर था, नो डाउट। तो कैसे हो सकता है कि आज से 5,000 साल पहले, ठीक है, और या फिर 4,000 3,000 साल पहले इस तरीके की एडवांस चीजें थी, है ना। क्योंकि हम तो आज भी देखते हैं हमारे गाँवों में जाके काफी हद तक, या फिर आज से 10 से 20 से 30 साल पीछे चले जाए तो अभी भी हमको मड हाउसेज मिल जाते हैं, ठीक है। अब भी हमको स्ट्रॉ वाले हाउसेज मतलब तूड़े वगैरह से बने हुए घर वगैरह मिल जाते हैं। तो अब जब भी जबकि आज भी प्रिमिटिव स्टेज के अंदर है काफी हद तक, तो इस टाइप पे 5,000 साल पहले इस तरीके की चीजों का होना, ना केवल ये, उसके अलावा उनका उनका पहनना, ठीक है, उनका मतलब ऑर्नामेंट्स को यूज में लेना, उनका, है ना, मतलब कि अपने आप को सजाना संवारना वगैरह, मतलब सब चीजें, है ना, मतलब कि हर चीज मतलब काफी ज्यादा मॉडर्न थी उस टाइम पे, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि काफी अच्छी सिविलाइजेशन थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी, ठीक है। तो अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फाइनली आईबीसी को हम। तो नो डाउट देखो अर्बन थी, नॉमेडिक थे, लेकिन ये लोग फिर भी, है ना, इन्होंने कल्टीवेशन को अटेम्प्ट किया, ठीक है, और ये एक ही जगह पर लंबे टाइम तक रहा करते थे। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल थी इन लोगों की काफी हद तक, क्योंकि एक जगह पर रहने लग गए थे तो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल भी आ गई थी, सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज भी आ गई थी। देखो जब इकोनॉमी की हम बात करते हैं, जब हम प्राइमरी एक्टिविटी की बात करते हैं, तो हम जनरली देखते हैं कि मतलब प्राइमरी प्राइमा फेसी वो क्या किया करते थे, ठीक है। लेकिन जब इकोनॉमी के अंदर ही सेकेंडरी इकोनॉमी और टर्सरी इकोनॉमी भी आ जाए ना, इसका मतलब है कि आप सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की तरफ जा रहे हो, क्योंकि फिर आप स्टोरेज करने लगोगे, आप कलेक्ट करने लगोगे, आप, है ना, वेल्थ का क्रिएशन होने लगेगा, है ना, और इनइक्वलिटीज भी स्टार्ट होने लगेगी काफी हद तक, और एक मतलब कि इस तरीके की चीजें आएंगी तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल भी आ जाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसको, ना मतलब, तो ये हमारी है इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन क्या होती है, यदि मैं बोलूँ तो हम क्यों मतलब बार बार बोलते रहते हैं सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो एक ऐसी सोसाइटी, ए सोसाइटी विच हैज इट्स ऑन हाईली डेवलप्ड कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ। तो सिविलाइजेशन कुछ नहीं होती, एक ऐसी सोसाइटी जिसका उनका खुद का अपना एक कल्चर है और वे ऑफ लाइफ है, उसे सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो सोसाइटी के अंदर ही जब आपकी हाईली डेवलप्ड कल्चर आ जाएगी और वे ऑफ लाइफ आपका एक हो जाएगा यूनिक स्पेसिफिक, तो वो आपकी सिविलाइजेशन बन जाएगी, ठीक है। तो बताते हैं कि ये ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग सिविलाइजेशन रही है आईबीसी जो रही है, ठीक है। एक्चुअली में जो आईवीसी थी, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, इस वर्ड को सबसे पहले यूज में लिया था फर्स्ट टाइम जॉन मार्शल ने, है ना, कभी आ सकता है, जॉन मार्शल ने फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइम आईवीसी करके जो वर्ड है उसको यूज में लिया था, आपको ध्यान रखना है थोड़ा। और ये कहाँ पे निकल के आई है सिविलाइजेशन, तो इंडस रिवर के आसपास, उसके बाद ना इंडस रिवर के आसपास, उसके अलावा आपकी घग्गर हाकरा रिवर थी जो सूख चुकी है, सरस्वती रिवर थी, और आपकी दशदावती रिवर थी, दशदावती, है ना। तो इस टाइप की रिवर्स थी उनके आसपास ही डेवलप हुई सिविलाइजेशन, ठीक है। और इसी को काफी बड़े ना हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन इसको इसलिए बोला जाता है कि ये पहली वो सिविलाइजेशन थी, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे पहली जो सिटी जो खोजी गई ना वो हड़प्पा सिटी थी, इस वजह से इसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं।
उसके अलावा इसको हम ब्रांचेस तो बोलते ही हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सटेंसिव अमाउंट में हमको बहुत ज्यादा अमाउंट में मतलब जो चीजें हैं वो ब्रांच की मिलती हैं, जो कि टिन को मिलाते थे कॉपर में तो ब्रांच बनता था, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रांच सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं। और जो इसका वैसे इसका भी याद है कि किस शेप में फैली हुई थी सिविलाइजेशन, मतलब किस तरह से इनका जो हैबिटेट थे ना वो किस शेप में फैले थे, तो ट्राइंगुलर शेप थी, कहीं ना कहीं का ट्राइंगुलर शेप में इनका हैबिटेट फैला हुआ था, मतलब इस तरीके की ट्राइंगुलर सिविलाइजेशन थी, इसको आपको याद रखना तो है ना। और सिविलाइजेशन बहुत दूसरी सिविलाइजेशन के साथ भी टच में थी, लाइक मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन उस टाइम की, ठीक है, तो और भी बहुत सारी सिविलाइजेशन थी जिनके साथ ये टच में थी, ठीक है। अब ये काफी बार मिस्ट्री रहती है सरस्वती रिवर को लेके काफी, है ना, तो बताते हैं कि काफी लंबी रिवर थी, एक ये 1500 किलोमीटर लेंथ की रिवर थी और 4000 साल पहले, लेकिन ये कुछ टेक्टोनिक शिफ्ट वगैरह हुए हैं उसके अंदर, उस वजह से है ना खत्म हो गई है रिवर, ड्राइड अप हो चुकी है, ठीक है। तो इसके ऊपर काफी चीजें चलती रहती है, इसके बारे में बातें चलती रहती है सरस्वती रिवर के बारे में भी तो बताया जाता है, लेकिन एक्सपर्ट्स की राय है, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि एक्चुअली में ऐसा नहीं था, कि काफी लोग इसको इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि इलाहाबाद से रिवर बहती थी, बट ये रिवर कहीं भी इलाहाबाद वगैरह से डायरेक्ट नहीं बहती थी, बस यही था कि इसका एक कनेक्टिविटी थी यमुना से और गंगा से, ठीक है, और फिर उनसे कनेक्टिविटी होते हुए किस तरह से उसका वाटर शेयर हो जाता होगा उस तरफ, इस वजह से बोल देते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट ऐसा नहीं था कि सरस्वती रिवर वहां जा रही थी। सरस्वती रिवर वैसे बताई जाती है कि इंडस रिवर जो है उसी के पैरेलल कहीं ना कहीं पे चल रही थी, थोड़ा साउथवर्ड, ठीक है, थोड़ा साउथ ईस्टवर्ड। ओके, अब हम देख लेते हैं थोड़ा आईवीसी के अंदर की क्या कैसी स्ट्रक्चर थी वहाँ पे, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, हालांकि अजम्पशंस हैं बहुत ज्यादा, हम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में एकदम डायरेक्ट ही नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी आर्टिफैक्ट्स वगैरह हमको उस टाइम पे मिले हैं एक्सकवेशन के द्वारा, हमको जो भी मतलब कि आर्टिफैक्ट्स वगैरह मिले हैं या फिर जो भी हमको उस टाइम की आर्किटेक्चर मिला है, ठीक है, तो उससे वैसे यही हम अज्यूम करते हैं एक्चुअली में, तो इसके लिए दो थ्योरी दी जाती है एक्चुअली में हमें ना, मैं इसको ब्रेक करूंगा एक्चुअली आईबीसी को, जैसे मैंने पहले भी ब्रेक किया था उन सभी सिविलाइजेशन को, इसको मैं ब्रेक करूंगा वहाँ की सोशल लाइफ के अंदर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर वगैरह वगैरह। तो उसमें सबसे पहले पॉलिटिक की बात कर लेते हैं हम, तो बताया जाता है कि आईबीसी के अंदर ना दो चांस है, या तो ये सोसाइटी जो थी वो थियोक्रेटिक सोसाइटी थी, और थियोक्रेटिक सोसाइटी का मतलब आप जानते हो, एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें रिलीजियस जो इंस्टीट्यूट होते हैं ना वो आपको सारी अथॉरिटी उन रिलीजियस इंस्टीट्यूट के पास होती है, तो काफी लोग तो बोलते हैं कि ये क्या है, थियोक्रेटिक सोसाइटी थी ना, थियोक्रेटिक एंड यूनिटरी, तो वहाँ पे जो मटेरियल और एविडेंस मिला ना उसके भी यहाँ पे काफी लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये एक्चुअली में क्या थी, एक मर्चेंट टाइप की, ठीक है, गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट हुआ करते थे, मतलब ऑलिगार्ची थी, ऑलिगार्की थी वहाँ पे। ऑलिगार्की का मतलब क्या होता है, जब कुछ लोगों के हाथ में स्मॉल जो ग्रुप है ना लोगों का वो कंट्रोल करता है पूरी कंट्री को, ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसे ऑलिगार्की बोलते हैं, तो बोलते हैं कि भाई इस टाइम मर्चेंट वगैरह काफी थे, गिल्ड्स वगैरह हुआ करती थी, तो ऑलिगार्की टाइप का स्टेट था, कुछ कुछ लोग ऐसे भी बोल देते हैं, लेकिन क्रिस्टल क्लियरली कुछ नहीं है। वैसे दो थ्योरी चलती है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये थियोक्रेटिक मतलब कि थियोक्रेटिक यूनिटरी मतलब कि इसकी सोसाइटी थी ये, है ना, कुछ लोग पॉलिटिकल सेटअप था वहां पे, कुछ लोग बोलते हैं कि पॉलिटिकल सेटअप वहां पे जो था वो था एक्चुअली में कैसा, ऑलिगार्की थी, ऑलिगार्की मतलब कुछ लोगों के द्वारा, कुछ प्रबुद्ध लोगों के द्वारा या फिर कुछ पैसे वाले लोगों के द्वारा, मर्चेंट्स के द्वारा पूरी कंट्री को ऑर्गेनाइज करके रखना, रन करना, इस लाइक ऑलिगार्की। थोड़ी ये तो हो गई पॉलिटिकल, हमने अजम्पशंस कर लिए कि ऐसा ऐसा सिस्टम वहां पे हो सकता है जो भी हमको फैक्ट्स एविडेंस मिले हैं उनके हिसाब पे। अब देख लेते हैं उनकी सोशल लाइफ क्या थी, सोशल लाइफ को भी मैं फर्दर ब्रेक करूंगा, ठीक है। सोशल लाइफ में सबसे पहले फूड हैबिट्स की बात करूंगा कि उनकी फूड हैबिट्स कैसी हुआ करती थी। तो देखो डोमेस्टिकेशन उनको आता था, वो कैटल्स को, पिग्स को, शीप्स को, गॉट्स को, सबको फूड रिसोर्सेज के लिए डोमेस्टिकेट किया करते थे, और जो काउज होती थी ना, जैसे कि हमने चालकोलिथिक एज में देखा था कि काउज जो होती है उनके मिल्क को नहीं यूज में लिया जाता था, क्योंकि वो लोग ऐसा सोचते थे कि जो मिल्क है ये, इसका पर्पज एक्चुअली में क्या है, इस मिल्क का जो पर्पज है वो उनके खुद के बच्चों के लिए है, जो जानवर है उनके खुद के बच्चों के लिए, तो वो लोग नहीं यूज में लेते थे मिल्क को, है ना, तो इस वजह से ओके, लेकिन यहाँ पे ये लोग आईबीसी के अंदर यूज में लेंगे और उनका मिल्क और मीट वगैरह सबके लिए उसको यूज में लिया जाएगा, ठीक है। और ये काफी हेल्दी डाइट मेंटेन करते थे कॉन्स्टेंटली, ऐसा बताया जाता है एविडेंस के बिहाव पे, ऐसा पता चला है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और एक्चुअल में डैम श्योर नहीं है कोई भी इंसान की क्या राइस वहां पे मिला या नहीं मिला, लेकिन या फिर ये राइस को कंज्यूम करते थे या नहीं करते थे, लेकिन एक जगह है ना राइस हस्क मिला है, राइस के ऊपर का जो छिलका होता है ना वो हस्क मिला है रोपर और लोथल के अंदर, दो जगह पे, ठीक है। क्वेश्चन सीधे डायरेक्टली यहाँ से बनते हैं लाइन्स के ऊपर ही, कि क्या आईबीसी के टाइम पे मतलब इस तरीके के क्वेश्चन बन जाएंगे कि आईबीसी के टाइम पे क्या राइस था, और यदि था तो मतलब क्या राइस का हस्क मिला है, तो आपको याद रखना है रोपर एंड लोथल के अंदर हस्क मिला है राइस का ऊपर का जो छिलका होता है, बट एक्चुअली में ना ज्यादा पता नहीं है कुछ भी कि कहाँ क्या है ना। डैम श्योर नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा अवशेष नहीं मिल पाए हैं, लेकिन हाँ व्हीट एंड बार्ले, गेहूं और जौ जो था उनका स्टेपल फूड था, उसके अलावा भी वो लाइक सीसम हो गया आपका, लेंटिल हो गया, और अलग टाइप की पल्स वगैरह को यूज में ले लिया करते थे ना, इसको भी आपको याद रखना है। हॉर्टिकल्चर भी ये लोग किया करते थे, वेजिटेबल्स का कल्टिवेशन, फ्रूट्स का कल्टिवेशन,
ये भी सब हुआ करते थे, है ना। और इनके फूड हैबिट्स जो थी दोनों टाइप की थी, लाइक ये वेजिटेरियन भी थे और नॉन वेजिटेरियन भी थे। तो बेसिकली मैं आईबीसी को जब देख रहा हूँ, ठीक है, आईबीसी की केमिस्ट्री को जब मैं डिकोड कर रहा हूँ, तो मैं पहले सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैंने वहाँ के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में अपने अजम्पशंस बना लिए कि ऐसा ऐसा हो सकता है वहाँ पे। फिर मैंने उनकी सोशल लाइफ देखी, उसमें मैंने क्या देख लिया, उनके फूड को देख लिया, लाइफ स्टाइल के अंदर, सोशल लाइफ में, लाइफ स्टाइल में मैंने उनकी फूड हैबिट्स देख ली। तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दूध वूध कंज्यूम कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर भी चल रहा है, बेजली को बार्ले और व्हीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ कुछ अमाउंट में सीसम लेंटिल्स अलग पल्स वगैरह भी यूज में ले रहे हैं, और राइस का पक्का कंफर्म नहीं हो पाया कि था या नहीं था, बट लोथल और रोपर के अंदर वहां पे राइस के हस्क मिले हैं, ठीक है। और काफी हेल्थी डाइट वगैरह ये लोग यूज में लिया, ये लोग हेल्थी डाइट थी इनकी काफी, ठीक है, ठीक है ना, हेल्थी डाइट इनकी हुआ करती थी, काफी ठीक ठाक थी। आप देख लेते हैं इसके अलावा क्लोथ्स के बारे में, कपड़े कैसे पहनते थे। तो कहता है कि ये दो टाइप के कपड़े पहनते थे, एक तो अपर गारमेंट होता था, एक लोअर गारमेंट होता था। वुमेन मैन दोनों ही टू पीसेज में क्लोथ्स पहनते थे, अपर गारमेंट एंड लोअर गारमेंट, ठीक है। कॉस्मेटिक्स देख लेते हैं कि क्या कॉस्मेटिक्स को यूज में लेते थे। तो देखा गया कि वहां पे मतलब फेस पेंट पेंट मिले हैं बहुत सारे आइवरी के बने हुए, ठीक है, तो उन्हें फेस पेंट के बारे में नॉलेज थी। ब्रॉन्ज का ओवल शेप का मिरर मिला है वहां पे, ठीक है। आइवरी आइवरी वाले कॉम्प्स मिले हैं, मतलब एक्चुअली में कंघिया मिली है ना, वेरियस शेप्स के अंदर, छोटी छोटी ड्रेसिंग टेबल्स भी मिली है, ठीक है। और ये कहाँ मतलब वगैरह काफी जगह पे चीजें पाई गई, और एमन मतलब आइवरी की बनी हुई जो हेयर पिंस होती है ना, वो भी वुमेन्स यूज में लिया करती थी। तो काफी एडवांस सोसाइटी थी नो डाउट, जब ये लोग ड्रेसिंग टेबल की बात कर रहे हैं, कॉम्ब्स की बात कर रहे हैं, ओवल शेप मिरर की बात कर रहे हैं, ब्रॉन्ज का बना हुआ ओवल शेप मिरर, ठीक है, तो काफी एडवांस तो थी सिविलाइजेशन नो डाउट, ठीक है। और इनके फेस पेंट वगैरह भी मिले, तो कॉस्मेटिक भी इनका काफी अच्छा था। तो अभी हम जब देख रहे हैं सोशल लाइफ में, जब लाइफ स्टाइल देख रहे हैं, उसमें हमने फूड हैबिट देख ली, क्लोथ देख लिए, कॉस्मेटिक देख लिया, ऑर्नामेंट्स की बातें कर लेते हैं अब हम। तो देखो ऑर्नामेंट्स ये यूज में लेते थे एक्चुअली में, लाइक बना हुआ गोल्ड का ऑर्नामेंट होता था, सिल्वर का, कॉपर का, ब्रॉन्ज का, सेमी प्रीशियस स्टोन्स वगैरह के ऑर्नामेंट्स उनके उनके पास थे काफी हद तक। तो ऑर्नामेंट्स की बात की जाए तो गोल्ड ये यूज में लेते थे, सिल्वर ये यूज में लेते थे, कॉपर ये यूज में लेते थे, ब्रॉन्ज ये यूज में लेते थे, और सेमी प्रीशियस स्टोन्स ये यूज में लेते थे, ठीक है। इनके यहाँ पे जो ज्वेलरी वगैरह मिली है, उसमें बैंगल्स मिले हैं, ब्रासलेट्स मिले हैं, फिलेट्स मिले हैं, और ग्रिड मिले हैं, इयर रिंग्स मिली है, फिंगर रिंग्स मिली है, और ये सब चीजें मिली है ना, तो काफी सारी चीजें मिली है। उसके बाद जो बीड्स होता है ना, बीड्स है ना, बीड्स जो होते हैं वो मैन और वुमेन दोनों ही बीड्स पहना करते थे। तो ये इनका क्या हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गए। क्वेश्चन सीधे बनते हैं, डायरेक्ट बनते हैं यहाँ से, कि क्या उस टाइम पे आपको है जो गोल्ड मिलता था, तो मिलता था, साफ लिखा हुआ है। क्या उस टाइम पे आपको कॉपर मिलता था, मिलता था, कॉपर तो मिलेगा क्योंकि ब्रॉन्ज मिलता है, तो कॉपर भी मिलेगा, सिल्वर भी मिलता था, सभी चीजों के जो है ऑर्नामेंट्स वगैरह बना के ये लोग पहना करते थे। तो काफी अच्छी सिविलाइजेशन थी, है ना। उसके बाद देख लिया कि मतलब एंटरटेनमेंट के लिए लोग क्या किया करते थे, मनोरंजन के लिए लोग क्या किया करते थे, है ना। तो बताते हैं कि बच्चों के लिए है ना, छोटे छोटे क्ले कार्ट्स हुआ करते थे, लिटिल छोटे क्ले मतलब मिट्टी के बने हुए कार्ट्स हुआ करते थे। और जो बॉयज होते थे ना, वो क्या करते थे, वो टेराकोटा का से बना हुआ खिलौना यूज में लेते थे टॉयज, ठीक है। तो टेराकोटा का जो टॉयज होते थे बच्चों के लिए, और वैसे ही बच्चियों के लिए है ना, गर्ल्स के लिए डॉल्स हुआ करती थी बनी हुई, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है ना। तो इस तरीके की चीजें थी उस टाइम पे। और ज्यादातर जो लोग थे ना, आज के लोगों की तरह इंडोर गेम्स ज्यादा पसंद करते थे एज कम्पेयर टू आउटडोर गेम्स के, ठीक है। तो आउटडोर अम्यूजमेंट्स की बजाय इंडोर अम्यूजमेंट्स या इंडोर गेम्स ज्यादा प्रोमिनेंट में थे। और कौन कौन से इंडोर गेम्स आपको मिल जाएंगे, लाइक गेमलिंग मिल जाएगा, डाइस खेला करते थे लोग, डांसिंग सिंगिंग है ना, वो तो डाइस वगैरह तो मैं इंडोर गेम के बारे में बता रहा हूँ ना, डांसिंग सिंगिंग वगैरह आउटर मान लो जो भी मानना है आपको ना। तो ये लोग डांसिंग करते थे, सिंगिंग करते थे, डाइस खेला करते थे, गैम्बलिंग किया करते थे, ये मार्बल्स खेलते थे, बॉल्स खेलते थे, डाइस खेलते थे दोबारा, ठीक है, मतलब मार्बल से, बॉल से, डाइस वगैरह से खेलते थे, है ना, ये सब चीजें होती थी। और फिशिंग जो होता था वो एक रेगुलर ऑक्यूपेशन था इन लोगों का, ठीक है। बुल फाइटिंग ये लोग पार्ट टाइम के अंदर देखा करते थे, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा मतलब इनकी जो एंटरटेनमेंट जो था वो भी काफी ठीक ठाक था। तो ये मैंने देख लिया कि सोशल लाइफ के अंदर, है ना। अब उसके बाद थोड़ा सा हम देखते हैं कि सोसाइटी का नेचर कैसा था। मैंने इनके सोशल लाइफ देख लिया, उसमें मैंने देख लिया फूड हैबिट्स कैसी थी, क्लोथ कैसे थे, कॉस्मेटिक कैसे थे, ऑर्नामेंट्स कैसे थे, और एंटरटेनमेंट के लिए लोग क्या किया करते थे, मनोरंजन के लिए क्या करते थे ये लोग, ये सब देख लिया हमने, एंटरटेनमेंट वगैरह सब। अब देखते हैं हम फाइनली कि और भी चीजें देखते हैं इनके बारे में थोड़ा। तो सोसाइटी का नेचर कैसा था, है ना। तो देखो इसमें तीन टाइप के सोशल ग्रुप्स बताए गए हैं एक्चुअली में, सोशल डिविजन तीन टाइप से हो रखा था। कुछ लोग थे जिनको रूल्ड थे, जिनको रूल किया जाता था, कुछ रिच मर्चेंट भी थे और कुछ पुअर लेबरर भी हुआ करते थे।
अब इसमें क्या होता था, वैसे अर्बन सिविक जो सेटलमेंट्स ज्यादातर पाए गए हैं, तो इसमें टाउन प्लानिंग होती थी, सिटाडल होता था, लोअर टाउन होता था। सिटाडल पे थोड़े लोग पैसे वाले लोग रहते थे, लोअर टाउन में थोड़े गरीब लोग रहते थे। ड्रेनेज सिस्टम जैसा मैंने पहले भी बता दिया, काफी एडवांस था, ठीक है। रोड्स वगैरह, हाउसेज वगैरह बड़े ही प्लान थे। जो ब्रिक्स थे ना, उनकी साइज और रेशो बिल्कुल फिक्स था, है ना, स्टैंडर्ड साइज एंड रेशो थे सभी चीजों के। प्राइवेट वेल, मतलब कि प्राइवेट वेल मतलब कि प्राइवेट कुएं मिले हैं, ठीक है, और वेंटिलेटेड बाथरूम्स मिले हैं, तो काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल थी सिविलाइजेशन, है ना। तो जितने भी हाउसेस थे सबको वाटर का और वाटर वेस्ट वाटर सिस्टम का एक्सेस था ज्यादातर। टेराकोटा के पाइप लगाए गए थे जिनके अंदर से कि वेस्ट वाटर नीचे आके और गलियों के अंदर आ जाता था और फिर ड्रेनेज के अंदर से जाते हुए चला जाया करता था। तो टेराकोटा के पाइप मिले हैं उसके लिए, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ चीजें मिली है, लाइक आपको पता हो तो कुछ और अदर फैक्ट्स की बात कर ले हम, तो कॉमन वेयर हाउस मिले हैं लाइक ग्रेट ग्रेनरी एट हड़प्पा। तो कभी बात की जाए कि ग्रेट ग्रेनरी कहाँ पे मिली है, तो हड़प्पा के अंदर मिली है। डॉकयार्ड मिलता है आपको लोथल के अंदर, याद रखना है। मिलती है, स्कल्पचर्स मिलते हैं और आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिलती है। तो काफी से पता चलता है कि काफी ही अच्छी ही सिविलाइजेशन थी, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़े इनके टूल्स वूल्स देख लेते हैं ना, जैसे हमने वहां भी देखा था कि टूल्स वगैरह कैसे थे, तो टूल्स हम देख लेते हैं। तो हाउस होल्ड जो टूल्स होते थे, हाउस होल्ड टूल्स के अंदर हम क्या देखेंगे, हाउस होल्ड आर्टिकल्स कैसे होते थे, किस चीज के बने होते थे ना, घरों के अंदर काम में आने वाली चीजें। तो ये लोग क्या करते थे, ठीक है, जनरली आर्टिकल्स जो उनके हाउस होल्ड के अंदर इंक्लूड होते थे, ठीक है, उसमें स्टोन यूज में लेते थे, शेल्स, आइवरी, मेटल, मड पॉट्स वगैरह को यूज में लिया करते थे ना। उसके ऊपर स्पिंडल्स, नीडल्स, कॉम्ब्स, फिश हुक्स, नाइफ मेड ऑफ द कॉपर, आइवरी वगैरह सब मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन चीज को ध्यान रखना है आपको ना। अदर टूल्स की यदि बात की जाए तो यहाँ पे वही एक्सेस, स्पेयर हेड्स, डैगर, बॉग, एरोज वगैरह सब मिल जाएंगे, कॉपर और ब्रॉन्ज के मिले हुए। तो ये सभी चीजें हो जाएंगी ना दोबारा से। लेकिन देखो एक चीज को अच्छे से याद रखना है कि हरपन जो सिविलाइजेशन है ना, मतलब या फिर आईबीसी है, उसमें वेपन्स नहीं मिले हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि उनका कोई सीधा कॉन्फ्लिक्ट या वॉरफेयर वगैरह में उन्होंने ज्यादा पार्ट वार्ट नहीं लिया था, और किसी भी तरीके का कोई मतलब कि वॉरफेयर को पोर्ट्रेट भी नहीं किया जाता है कहीं पे भी। तो कहीं पे पोर्ट्रेट नहीं किया गया किसी वॉरफेयर को। अब इनके रिलीजन की बात करते हैं कि किस टाइप का रिलीजन ये फॉलो किया करते होंगे, हम अजम्पशंस कर रहे हैं अगेन अगेन एविडेंस के बिहाफ पे, ठीक है। तो इनकी रिलीजियस एक्टिविटीज के बारे में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है, फिर भी थोड़ा थोड़ा लोग अनुमान लगाते हैं कि उस टाइम पे क्या होता होगा। एक फीमेल डेटी हुआ करती होंगी, चीफ फीमेल डेटी, ठीक है, मदर गॉडेस जिन्हें बोलते हैं, क्योंकि उनका टेराकोटा का फिगर भी मिला है, तो हो सकता है लोग उनकी वर्शिप किया करते होंगे, ठीक है। तो इससे हो सकता है कि सोसाइटी में भी पॉसिबल प्रीडोमिनेटली मतलब मैट्रियार्कल सोसाइटी रही हो, ऐसी संभावना बताई जा सकती है। लेकिन साथ ही साथ में एक फादर गॉड भी मिलते हैं ना इनके टाइम पे, जो कि प्रोटोटाइप ऑफ शिवा बताए जाते हैं, है ना, तो वो भी मिलते हैं वहां पे। तो ये ध्यान रखना, जो पशुपति का जो फिगर है, ठीक है, उन्हें पशुपति भी बोलते हैं, इन्हें प्रोटोटाइप ऑफ शिवा बोलते हैं, ये एक तरीके का एक गॉड मिलते हैं ना वो। तो उनके पास वो योगिक पोस्चर के अंदर जो सील मिली है गॉड की, पशुपतिनाथ की सील भी जिसे बोलते हैं, वो योगिक पोस्चर के अंदर है। कभी क्वेश्चन आ जाता है सीधा, जो पशुपतिनाथ की सील आईबीसी के अंदर मतलब निकाली गई है, उस पशुपतिनाथ की सील के अंदर जो एनिमल्स है वो कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखना है कि वो है ना, वो जो पशुपतिनाथ की सील में है उसमें पशुपतिनाथ जी चार एनिमल से सराउंडेड है। वो चार एनिमल्स है आपके, एलिफेंट, टाइगर, रहीनो और बुफेलो। तो बुफेलो है, रहीनो है, टाइगर है, एलिफेंट है। तो ये चार मतलब कि डिफरेंट डायरेक्शंस में फेस करते हुए कुछ है ये, है ना। और उनके पैरों में नीचे दो है ना डियर भी पाए जाते हैं उनके फीट्स के अंदर। तो एक क्वेश्चन आ सकता है ना आपसे, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ लाइक, है ना, कि चलो ठीक है, तो आपको याद ही रखना है क्या क्वेश्चन पूछना है, कि एलिफेंट, टाइगर, रहीनो, बफेलो ये मिलते हैं, उसके अलावा दो डियर मिलते हैं। मैं रिलीजियस लाइफ की बात कर रहा था, है ना, थोड़ा सा, तो उसी में मुझे पशुपतिनाथ की सील भी मिल गई है बीच में, ठीक है। और यहाँ पे है ना ऐसा भी होता है कि एक्चुअली में है ना ये वर्शिप करते थे फर्टिलिटी सिंबल्स की भी, है ना, जैसे राउंड स्टोन्स वगैरह, पियर्स जो स्टोन्स होते हैं उनकी, ठीक है। और ये हम ले सकते हैं इस चीज को, है ना, प्रेजेंट डे लाइफ वर्शिप से, लाइक वर्शिप ऑफ जो शिवा होती है और शिवलिंगा की जो पूजा होती है, उससे हम इसको कहीं ना कहीं पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो बाद में वहां पे फिर लिंगा वर्शिप मतलब प्रेवलेंट भी हो गई थी थोड़ी बहुत, ठीक है। और ट्रीज को, एनिमल्स को ये लोग वर्शिप किया करते थे, पेड़ों को, एनिमल्स को, है ना, इनको भी वर्शिप किया करते थे। ये लोग है ना बिलीव करते थे घोस्ट के अंदर, इविल्स के अंदर भी, इसी वजह से एम्यूलेट्स वगैरह मिलते हैं प्रोटेक्शन के लिए इनके पास में। और आपको पता ये ग्रेट ग्रेट बाथ मिला है मोहनजोदारो के अंदर, तो हो सकता है कि वो आजकल के जो सेक्रेट टैंक्स होते हैं ना, लोग ग्रेट बाथ लेते हैं जैसे, सेक्रेट टैंक्स को वो इंडिकेट कर सकता है। हो सकता है कि एंशियंट इंडिया में भी ऐसे रिचुअल्स हुआ करते होंगे प्योरिटी के लिए, प्योरिफिकेशन करने के लिए अपना। तो इसकी संभावना बताई जा सकती है जो ग्रेट बाथ मिला है मोहनजोदारो के अंदर उससे, ठीक है। स्क्रिप्ट देख लेते हैं अब उस टाइम की।
हम पूरा डिकोड कर रहे हैं आईपीसी को एक्चुअली में, है ना, सिंपल पैरामीटर्स के बिहाफ पे, जिसमें मैंने बता दी पहले सोशल लाइफ के बिहाफ पे कर दिया, फिर मैंने उनके टूल्स के बिहाफ पे कर दिया, फिर मैंने उनकी रिलीजन लाइफ के बिहाफ पे, रिलीजियस लाइफ क्या, रिलीजन क्या था उसके ऊपर कर लिए हमने बातें। अब इसके बाद हम बात करते हैं उनकी स्क्रिप्ट कौन सी थी। तो देखो इनकी स्क्रिप्ट जो होती थी ना, जनरली वो राइट टू लेफ्ट लिखा करते थे, ठीक है, राइट टू लेफ्ट लिखा करते थे वो, इस चीज को आपको देखना जरूर था। और इनका जो है ना स्पेशल मेथड होता है, इनकी जो स्टाइल होती है ना, ये क्या कंटिन्यूटी में लिखते थे, अल्टरनेटिव लिखते थे, और ऐसा नहीं करते थे कि डिस्टर्ब होकर दोबारा स्टार्ट करते थे, वो कंटिन्यूटी फ्लो में लिखा करते थे, मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट वगैरह काफी बार, ठीक है। तो ऐसा ऐसा कुछ होता था मतलब उसकी टाइम, उनकी टाइप की राइटिंग में। तो इस स्टाइल को बोलते हैं बॉस्ट्रोफिडन, बॉस्ट्रोफिडन मेथड बोला जाता है इसको, याद रखना आपको, BOUSTRO, बॉस्ट्रोफिडन, PHEDON, बॉस्ट्रोफिडन मेथड भी इसको बोलते हैं। अभी तक भी आपने हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है उसको आप फुली तरीके से डेसिफाइड नहीं कर पाए हो, ठीक है। तो स्क्रिप्ट इनकी बता दी गई है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि स्क्रिप्ट के बाद एक्चुअली में किस चीज पे, बरियल प्रैक्टिसेस के ऊपर। तो क्या ये बरियल प्रैक्टिसेस करते थे, क्या लोगों को मतलब कि बरियल प्रैक्टिसेस होती थी इनकी? तो काफी बार यहाँ पे कंप्लीट बरियल होता था, काफी बार ये लोग फ्रैक्शनल बरियल्स करते थे। फ्रैक्शनल बरियल्स में क्या करते थे ये लोग, ठीक है, बॉन्स को गैदर करते थे, है ना, और फिर उनको बरीड कर देते थे। जैसे मतलब क्या हुआ कि किसी भी इंसान को मतलब जानवर और पक्षियों के लिए रख दिया है, फिर उसके बाद उसकी बॉन्स को कलेक्ट करके उसको बरी कर देते थे लोग, उसको गाड़ देते थे, ऐसा भी करते थे लोग, ठीक है। और काफी बार ऐसा होता था कि ये भी होता था कि पहले क्रिमिशन कर देते थे, और उसके बाद जो राख होती थी ना उसका बरियल कर देते थे। तो ऐसी ऐसी एक्टिविटीज भी काफी बार आपको कंप्लीट बरियल मिलेगी, कभी है ना पोस्ट बरियल वगैरह, ये सब चीज आपको वहां पे दिखती रहेंगी, ठीक है। लोथल के अंदर बरियल पिट्स मिलते हैं ना, इसको आपको ध्यान रखना है। और ये किसके बने हुए हैं, ब्रंट ब्रिक्स के बने हुए हैं, ठीक है। तो ये कॉफिन वगैरह को यूज में लेते थे, ऐसे लगता है कि वो ब्रंट ब्रिक का बना हुआ कॉफिन वगैरह, इस तरह से पिट्स वगैरह मिले हैं, ठीक है। और पोर्ट्स वगैरह भी मतलब बर्तन भी मिलते हैं काफी बार बरियल्स के अंदर, है ना, मतलब पोर्ट बरियल, मतलब पोर्ट मतलब बर्तन के अंदर बरी करना, मतलब पोर्ट्स के अंदर बरी करना, बरियल करना, वैसी एक्टिविटीज भी देखने को मिलती है काफी जगह। वुडन कॉफिन होने की संभावना भी बताई जाती है, तो वुडन कॉफिन भी फाउंड किए गए हैं हड़प्पा के अंदर, आपको ये देखना है, ध्यान रखना है ना। उसके बाद यहाँ पे कोई क्लियर एविडेंस नहीं है कि क्या सती प्रथा थी या उस टाइम पे नहीं थी। तो कभी ऐसे आ जाता है ना कि सती प्रथा प्रिविलेंट थी आईवीसी के टाइम पे, तो ऐसा कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिला है, याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी, कि जैसे उन्होंने पहले भी क्वेश्चन हॉर्स के ऊपर पूछा हुआ है, ठीक है, कि हॉर्स थे या नहीं थे लाइक दैट, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं लोग। तो इस वजह से ध्यान रखना, सती प्रथा के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, कोई क्लियर कट एविडेंस नहीं मिला है। तो ऐसा बोला जाए कि भाई क्रिस्टल क्लियरली बिल्कुल एकदम पता था कि आईबीसी के अंदर सती प्रथा हुआ करती थी, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, है ना। और जो डेड बॉडीज होती थी ना, जब ये बरियल किया करते थे, तो उनको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखते थे डेड बॉडी को ये, ठीक है। और जनरली इसके साथ में कुछ कुछ ऑर्नामेंट्स, टूल्स वगैरह, फूड वगैरह, पॉटरी वगैरह भी साथ में रख दिया करते थे ये लोग, है ना। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमने इनकी बरियल प्रैक्टिस देख लिया। थोड़ी इकोनॉमिक लाइफ देख लेते हैं इनकी, है ना, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्सरी एक्टिविटी, टर्सियरी एक्टिविटी जो है वो सब देख लेते हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटी तो इनकी वही थी, एग्रीकल्चर ही था। उनके जो मेन क्रॉप थी वो वीट और बार्ली हुआ करती थी, मतलब गेहूं और जौ जो था उनका मेन क्रॉप था। अदर क्रॉप के अंदर बहुत सारी क्रॉप आ जाएंगी, लाइक सीसेम आ जाएगी, मस्टर्ड आ जाएगी, कॉटन भी ये लोग उगाते थे, ठीक है। और कॉटन को आई थिंक सिंडल बोलते थे ये लोग, ठीक है। ये ध्यान रखना कि ये ना पहली सिविलाइजेशन रही है आपकी, आईबीसी है जो पहली सिविलाइजेशन है जिन्होंने की कॉटन को ग्रो किया है, इसको सिंडन भी बोलते थे, सिंडन, SINDON। कभी आ सकता है कि कॉटन को आईबीसी में क्या बोला जाता था, तो SINDON, सिंडन भी बोलते थे, है ना। और ग्रेनरीज वगैरह होती थी जहाँ पे ये लोग क्या होता था, सरप्लस जो ग्रेन होता था उसको स्टोरेज कर लेते थे ये लोग। तो इनकी प्राइमरी एक्टिविटी में एक तो क्या हो गया, एग्रीकल्चर आ गया, दूसरा आ जाएगा डोमेस्टिकेशन। तो शीप्स को, गॉट्स को, बफेलो वगैरह को, सबको ये लोग क्या करते थे, डोमेस्टिकेट किया करते थे। और इस पे दोबारा एक टैगलाइन आ रही है, इंपॉर्टेंट लाइन, टैगलाइन क्या मतलब इंपॉर्टेंट लाइन याद आ रही है जिसको याद रखना है, हॉर्स जो है ना उसके बारे में फार्मली कोई पता नहीं है ना, डैम श्योर नहीं है हॉर्स के बारे में कि घोड़ा था या नहीं था एक्चुअली में, सिर्फ आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, है ना, हॉर्स के बारे में पक्का पता नहीं है। यहाँ से स्टेटमेंट बनेगी, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए इनको याद रखना है। इसी वजह से मैं इतना धीरे धीरे इस चीज को लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि सीधे यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ओके। और हंटिंग और फिशिंग वगैरह इनका रेगुलर ऑक्यूपेशन होता था, प्राइमरी एक्टिविटीज बता रहा हूँ मैं इकोनॉमी के अंदर की, ठीक है। देखो हालांकि जो हड़प्पा कल्चर के लोग थे वो घोड़े के बारे में इनको नहीं पता था, है ना, हॉर्स सेंटर नहीं थी इनकी जो कल्चर थी वो, फिर भी एक जगह कुछ रिमेन्स पाए गए हैं घोड़े के, वो बन पाए गए हैं सुरकोटड़ा गुजरात। तो कुछ रिमेन्स मिले हैं, लाइक जैसे राइस हस्क के बारे में पता नहीं था, लेकिन राइस राइस के बारे में पता नहीं था, लेकिन राइस हस्क के एविडेंस मिले हैं ना, जैसे राइस हस्क के जैसे एविडेंस मिले हैं रोपर और लोथल के अंदर, वैसे ही आपको एविडेंस मिल जाएंगे एक्चुअली में किस चीज के, उसी तरह से आपको एविडेंस मिल जाएंगे यहाँ पे सुरकोटड़ा के अंदर हॉर्स के भी कुछ रिमेन्स या फिर एविडेंस आपको मिल जाएंगे, है ना।
चीज का आपको ध्यान रखना है। और कुछ है ना, डॉग्स जो है वो पाए गए हैं मैन जो होते हैं उनकी ग्रेव्स के अंदर, रोपर के अंदर पाए गए हैं। तो कभी आ जाए कि डॉग जो है वो डॉग को भी मतलब कि बरियल किया गया था, ग्रेव्स के अंदर मिले थे तो रोपर के अंदर वो मिले हैं। तो ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। अब हम सेकेंडरी एक्टिविटी देखते हैं कि इकोनॉमिक है ना, तो ध्यान रखना इकोनॉमिक के अंदर एक्टिविटी प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, टर्शियरी होती है ना, टर्शियरी होती है तो ये एक्टिविटीज होती है, तो ये आज भी चलती है लाइक है ना, तो वैसे उस टाइम पे क्या क्या था ना वो भी देखना है हमको। तो जैसे आज हम बोलना चाहे कि क्या हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है आज, तो नो डाउट एग्रीकल्चर वगैरह ये सब चीजें हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है। कभी बोला जाए कि आज हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो सब चलता रहता है वो डिवाइड हम अभी भी कर लेते हैं। फिर टर्शियरी एक्टिविटी में आपकी सर्विस सेक्टर वगैरह ये सब चीजें आ गई, तो उसी तरह से उस टाइम भी चीजें हुआ करती थी, उनकी ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे है ना। जो इनकी सेकेंडरी एक्टिविटी है तो सेकेंडरी एक्टिविटी देखना बिल्कुल क्या होंगी है ना, स्पेशलाइज आर्टिसंस थे ये लोग, तो ये गोल्ड स्मिथ हुआ करते थे, इसमें ब्रिक मेकर्स होते थे, स्टोन कटर्स होते थे, वीवर्स होते थे, बोट बिल्डर्स होते थे, नाव बनाने वाले होते थे, और टेराकोटा मैन्युफैक्चरर्स होते थे, टेराकोटा की चीजें बनाने वाले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ना ऑर्नामेंट्स में क्या क्या मिलता है, जस्ट लाइक बीड्स वर मैन्युफैक्चर्ड, तो बीड मतलब मोतियों की माला वगैरह, बीड्स वगैरह काफी प्रचलन में थे उस टाइम पे ना। उसके बाद कॉपर के है ना, कालीबंगा के अंदर कॉपर कॉपर के बैंगल्स मिले हैं, कॉपर के बैंगल्स है ना, लिपस्टिक्स वगैरह, ब्रासलेट्स वगैरह। तो आप सोच लो लिपस्टिक्स वगैरह भी वहां पे मिलती है, ब्रासलेट्स वगैरह भी मिलते हैं, तो काफी ज्यादा ये लोग एडवांस थे इसमें, तो कोई डाउट ही नहीं है ना, तो ये काफी एडवांस थे, इससे सब चीजों से साफ साफ इंडिकेट हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी यहाँ पे कैसा था, ये क्या करते थे, सील्स हुआ करती थी और कुछ टेराकोटा के मॉडल्स होते थे। ठीक है ना, उनसे इंडिकेट होता है कि ब्लॉक जो आता है ना, ब्लॉक कार्स और शिप्स वगैरह को यूज में लेते थे ट्रांसपोर्ट के अंदर। ठीक है, और ये भी पता चलता है कि ब्लॉक कार्ट्स वगैरह शिप्स वगैरह हुआ करती होंगी। मेटल का आपको पता ही है, ब्रॉन्ज एंड कॉपर जो है उनके वेसल्स मिलते हैं, गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स मिलते हैं। पॉटरी जो थी उसमें प्लेन एंड सिंपल पॉटरी थी, रेड एंड ब्लैक पेंटेड थी पॉटरी जो थी, प्लेन एंड सिंपल, रेड एंड ब्लैक पेंटेड। ठीक है, और इसमें स्टैंडर्ड वेट मेजरमेंट सिस्टम हुआ करता था, लाइक वेट पर इन मल्टीपल्स ऑफ लाइक 16, 62, 16, 32, 84, 64, इस तरीके के मल्टीपल में आपके वेट सिस्टम मिलता है यहाँ पे। और जो एलिमेंट का टस्क होता था ना, एलिमेंट का टस्क, उसका एक इन्होंने स्केल बना रखा था। ठीक है, जो कि मोहनजोदड़ो और लॉथल के अंदर पाया गया है, इसको एज ए स्केल यूज में लेते थे मेजरमेंट वगैरह के लिए, मे बी पॉसिबल। ठीक है, किसको, एलिफेंट टस्क को। ओके, तो ये इनकी सेकेंडरी एक्टिविटीज थी। अब टर्शियरी एक्टिविटी देख रहे थे हम इन लोगों की, तो फॉरेन ट्रेड वाज जो था वो मेनली ये लोग कहाँ कहाँ से करते थे, मेसोपोटामिया से, ईरान से और अफगानिस्तान से फॉरेन ट्रेड किया करते थे, मेसोपोटामिया से, ईरान से, अफगानिस्तान से किया करते थे, क्या ट्रेड वगैरह करते थे। और काफी सारे इनके लिंक मिले हैं, बहुत सारे इनके एविडेंस मिले हैं इसके, इनके ट्रेड लिंक हुआ करते थे, लाइक किसके साथ ना, सुमेरियन पीपल। सुमेरियन पीपल का भी आ जाता है कि सुमेरियन कल्चर कौन सी थी या सुमेरियन पीपल कौन थे, तो जो आपका है ना, जो रीजन है ना, लाइक इराक के आसपास का, साउथ इराक का, साउदर्न इराक का जो एरिया है। ठीक है, तो ये मतलब कि आज के टाइम का साउदर्न इराक का जो एरिया है वो सुमेरियन कल्चर है, सुमेरियन लोग बोले जाते हैं वहाँ के लोग। तो इन लोगों की जो सील्स है ना, आईबीसी वाले लोगों की सील्स है जो मिलती है काफी जगह, मेसोपोटामिया वगैरह में भी सील्स इनकी देखी जा सकती है ना। तो ये सब चीजें थी इनकी टर्शरी एक्टिविटीज के अंदर है ना। तो हाँ, उसके अलावा उस टाइम पे पैरेलल में और भी सिविलाइजेशन चल रही थी, जब आईबीसी चल रही थी तो बताते हैं कि लाइक सारी सिविलाइजेशन रिवर के किनारे आएंगे, तो लाइक नाइल रिवर के किनारे इजिप्टियन सिविलाइजेशन चल रही थी। ठीक है, और टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स करके जो रिवर है, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स करके रिवर है, इसके आसपास मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन चल रही थी। और यांग से जो रिवर है, यांग टे बोल दो, यांग से जो रिवर है चाइना के, उसके आसपास चाइनीज सिविलाइजेशन चल रही थी। अब दो तीन प्रोमिनेंट जगह हैं जो काफी ज्यादा मतलब टैक्स मतलब कि जिनके बारे में बात चलती है, मतलब मेसोपोटामिया के जो टैक्स है ना वो बताते हैं तीन जगह के बारे में। जब ये ट्रेड किया करते थे तो इंटरमीडिएट स्टेशन हुआ होते थे, तो उनमें तीन जगह लिखी गई है मेसोपोटामियन टैक्स के अंदर। वो तीन जगह कौन कौन सी है, एक तो लिखा हुआ है दिलमुन। ठीक है, दिलमुन, DILMUN, दिलमुन करके एक जगह थी, ये बताते हैं कि उस टाइम की पर्शियन गल्फ या बहरीन के आसपास की जगह थी। एक थी MAKAN, मकान, ये एक्चुअली में क्या था, मकरन जो ओमान कोस्ट के आसपास है उसको बताते हैं, और एक लिखा हुआ था मलुहा। ठीक है, तो मलुहा आप बताते हैं कि हो सकता है कि मलुहा ये आईबीसी वालों को बताते हैं। ठीक है, तो मलुहा जनरली बोल सकते हैं कि इंडस रीजन के लिए मेसोपोटामियन लोग मलुहा को यूजली लिख सकते हैं। ठीक है, किसी ने कुछ अमीश त्रिपाठी की एक मतलब कि ट्रायोलॉजी ऑफ आई थी एक है ना, ट्रायोलॉजी ऑफ शिवा, ये ट्रायोलॉजी ऑफ शिवा कुछ ऐसी थी ना, वो बुक पढ़ी है किसी ने, वो ट्रायोलॉजी पढ़ी है तीनों, या उनमें से एक भी बुक पढ़ी है, उसमें भी आई थिंक एक बुक का नाम मलुहा ही था, कुछ था क्या ऐसा, किसने पढ़ा है? हाँ, मतलब एक ट्रायोलॉजी ऑफ मतलब अमीश त्रिपाठी का एक पूरा ट्रायोलॉजी सीरीज आई थी है ना, कि उसके ऊपर मतलब वो बुक्स थी।
तो उसके अंदर भी कुछ कुछ ऐसा मलोखा वगैरह वर्ड है शायद, आई थिंक, मैं डैम श्योर नहीं हूँ। मैंने काफी पहले पढ़ी थी शायद एक बुक, उनमें से थोड़ी सी आधी बुक, हाफ या हाफ से भी कम, हाफ के आसपास। ओके, तो ये हो गया हमारी आईवीसी की मेजर चीजें थोड़ी थोड़ी, ठीक है। अब ये आईवीसी की जब मेजर चीजें हो जाती है, तो थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं हम आईवीसी की सिविलाइजेशन को उस टाइम की मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ। तो उस टाइम की जो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन थे, उस आईवीसी की सिविलाइजेशन को हम थोड़ा कंपेयर करें, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे है ना, हमारी सोसाइटी आईवीसी के अंदर काफी हद तक मैट्रियार्कल सोसाइटी थी शायद, ऐसा हम अज्यूम करते हैं, क्योंकि जो फीमेल की डेटीज की जो फिगर्स मिले हैं उनसे ऐसा लगता है। जबकि जो आपकी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, वो पैट्रियार्कल सोसाइटी थी पूरी तरह से, ठीक है। और इसमें मेंस को ज्यादा पावरफुल स्टैंड पे रखा गया था एज कम्पेयर टू वुमेन, ठीक है। रिलीजन की यदि बात करते हैं हम, तो बताते हैं कि इस टाइम पे जो ये लोग जो आईबीसी वाले वो लोग थे, वो वर्शिप करते थे नेचर की, ठीक है। ठीक है, वर्शिप किया करते थे नेचर की इस टाइम पे। तो और बताते हैं कि ये पॉलिथिस्टिक लोग थे, मतलब जो रिलीजन था ना आईबीसी का पॉलिथिस्टिक था। मतलब आप मोनोथिस्टिक का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज को आप फॉलो कर रहे हो, पॉलिथिस्टिक का मतलब आप वर्शिप कर रहे हो नेचर की भी, मदर गॉडेस की भी, अलग अलग आप वर्शिप कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं पॉलिथिस्टिक नेचर। तो मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन थी ना, वो भी पॉलिथिस्ट, उसमें भी पॉलिथिज्म था, है ना, आपको ये ध्यान रखना है ना। और यहाँ पे भी था, लेकिन हमारे यहाँ पे मंदिरों के प्रमाण नहीं मिले हैं आईबीसी में, जबकि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में टेम्पल वगैरह मिलते हैं वर्शिप के, आईबीसी में नहीं मिले हैं, इसी को आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो थ्योरी में बताया जाता है कि किंगशिप हुआ करती थी, और है ना, किंग वगैरह जो होता था ना, और रूरल क्लास वगैरह के बारे में डायरेक्ट एविडेंस हमारे यहाँ पे नहीं मिले हैं, मतलब किंगशिप या फिर रूरल क्लास वगैरह जो है उसके बारे में डायरेक्ट एविडेंस आईबीसी के अंदर नहीं मिले हैं, जबकि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर आपको प्रिस्ट किंग की बातें बताई गई है, रूल्ड बाई प्रिस्ट किंग, पुजारी राजा, प्रिस्ट किंग होगा एक, है ना, ऐसी बातें बताई गई है, जो कि डिवाइन राइट्स हुआ करते थे जिसको, जो कि डिवाइन बोला जाता था, डिवाइन कंसिडर किया गया जाता था, ठीक है। और ऐसा हमारे यहाँ पे नहीं देखने को मिलता आईबीसी के अंदर, ठीक है। तो ये हमने देख लिया आईबीसी को काफी हद तक। अब आईबीसी को जब हमने देख ली है, तो हम थोड़ी सी अब देख लेते हैं लेगेसी, देख लेते हैं कि कौन आईबीसी की कौन सी लेगेसी है जो आज भी हम फॉलो कर रहे हैं ना, आईबीसी की जो लेगेसी है। तो सोशल स्फीयर के अंदर क्या क्या लेगेसी है आज आईबीसी की, तो लाइक अभी भी हमारे यहाँ पे काफी जगह केरला और मेघालय में आप चले जाओगे तो मैट्रियार्की आपको मिल जाएगी, तो मैट्रियार्कल सिस्टम आपको अभी भी काफी में देखने को मिल जाएगा। तो बताते हैं एक्चुअली में कि हम मैट्रियार्कल सिस्टम जो है आईबीसी का अभी भी लेगेसी के तौर पर फॉलो कर रहे हैं। उसके अलावा जो प्लानिंग हुआ करती थी उनके आईबीसी की, रेक्टेंगुलर है, मतलब कि हाउस वगैरह, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह, आज भी हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन उसको फॉलो करते हैं। उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन में ब्रिक्स वगैरह को यूज में लिया गया था, तो आज भी हम ब्रिक्स वगैरह को यूज में लेते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर, ये तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। उसके तो ये भी हम लेगेसी है एक तरीके की जो फॉलो कर रहे हैं। उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा क्या है कि हम है जो वास्तुशास्त्र वगैरह को यूज में लेते हैं ना, जब घर बनाते हैं, तो वही वहां पे भी वो चीजें हुआ करती थी। आज भी हमारे जो कंज्यूमशन करते हैं उसमें वेज और नॉन वेज दोनों टाइप के लोग होते हैं, तो वो उस टाइम भी हुआ करता था। और डांसिंग, वोटिंग, रेसिंग वगैरह सब करते हैं उस टाइम भी था, ठीक है। डेकोरेटिव बंगल्स, इयर रिंग्स वगैरह उस टाइम, बैंगल्स, इयर रिंग्स वगैरह सब उस टाइम पे भी थी, है ना। तो ये तो आपकी सोशल हो गई, आपने जो लेगेसी फॉलो कर रहे हैं, रिलीजियस लेगेसी फॉलो भी हम कर रहे हैं, ठीक है। कि जैसे अभी भी हमारा जो रिलीजन वगैरह है, बिलीफ सिस्टम है, वो मतलब प्रोफाउंड ही है, और पॉलिथिज्म हम काफी हद तक अभी भी फॉलो कर रहे हैं, अभी भी मदर गॉडेस का कंसेप्ट शक्ति कल्ट के अंदर देखा जा सकता है। उसके अलावा अभी भी बुल को आइडेंटिफाई किया जाता है नंदी के तौर पे, और है ना, पशुपतिनाथ की वर्शिप की जाती है एज ए शिवा भी, है ना। तो इस तरीके की चीजें, सेम सेम चीजें आपको देखी जा सकती है अभी भी, है ना। हम काफी हद तक ट्रीज और स्टोन्स अभी भी, है ना, मतलब कि अभी भी हम वर्शिप वगैरह वो करते हैं ना, काफी सारी चीजें तो हो जाएंगी। इकोनॉमिक स्फीयर के अंदर भी काफी चीजें हैं, इंटरनेशनल ट्रेड आज हम कर रहे हैं, शिप बिल्डिंग आज हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या दिखाती है कि काफी सारी लगेसी हमारे वहां से है। और उसके अलावा उनका जो मीजरिंग सिस्टम था ना, मेजरमेंट वाला सिस्टम है ना, तो वो भी हमने काफी हद तक फॉलो किया था उनका मेजरमेंट वाला सिस्टम भी। तो आपको बताते हैं कि डिक्लाइन क्यों हुआ आईबीसी का, तो अलग अलग थ्योरी जाती है उसके लिए, कि भाई कोई बोलता है इसलिए डिक्लाइन हो गया, कोई बोलता है, कोई लोग बोलते हैं कि आर्यन का इन्वेजन हो गया था, मतलब आर्यन आ गए थे, मतलब वेपन्स वगैरह लेके आए थे, और उन्होंने मतलब कि उन्होंने काफी बड़ा रोल प्ले किया डिक्लाइन ऑफ आईबीसी के अंदर, घोड़े वगैरह और वेपन्स वगैरह वो लेके आए थे उन्होंने, मतलब फाइटिंग वगैरह करी, ऐसे बोलते हैं काफी लोग। कुछ लोग तो नेचुरल कैलेमिटीज आ गई होंगी लाइक फ्लड्स वगैरह, काफी लोग बोलते हैं कि अर्थक्वेक्स वगैरह आ गए होंगे, काफी लोग बोलते हैं कि इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो गया, मतलब फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वगैरह धीरे धीरे कम हो गई, कुछ लोग बोलते हैं कि रेनफॉल पैटर्न कम हो गया, ठीक है। कुछ बोलते हैं कि लोगों ने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा कर लिया, लेकिन जो ज्यादातर है ना, मतलब कि एक्चुअल में यही है कॉन्ट्रोवर्सी की, ये जो खत्म हुई है सिविलाइजेशन, ये सडनली हो गई है फिर ग्रेजुअली हुई है सिविलाइजेशन खत्म, ठीक है। तो काफी सारी मतलब चीजें आई बाद में। अभी जो आज के टाइम पे जो चल रहा है ना, वो मतलब ये थ्योरी ज्यादा प्रोमिनेंस के अंदर है, कि जो इकोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल चेंज हुए होंगे, है ना, चीजें बदली होंगी धीरे धीरे, और उस वजह से मतलब कि
आईबीसी धीरे धीरे डिक्लाइन की होगी, ऐसी थोड़ी अब मतलब बात ज्यादा बताई जा रही है, ऐसे ज्यादा माना जा रहा है ठीक है। तो इस थ्योरी को ज्यादा माना जा रहा है अभी कि धीरे धीरे मतलब कि ये डिजर्ट हो गई एज कम्पेयर टू डेस्ट्रॉय होने की सिविलाइजेशन जो होती है ठीक है। और किस वजह से हाइड्रो जो आपके हाइड्रोलॉजिकल चेंज हुए, इकोलॉजिकल चेंज हुए उनकी वजह से। तो अभी भी ये तो क्वेश्चन बना हुआ है कि क्या सडन हुआ था या फिर ये धीरे धीरे हुआ है ठीक है, ये क्वेश्चन अभी भी बना हुआ है ही। तो लेकिन काफी सारी प्रवृत्ति दी जाती है इसके बारे में। ओके अब हम हो जाते हैं हमारा आईबीसी के मेजर मेजर जो चीजें हैं हमने खत्म कर दी है, अब हम वैदिक एज के ऊपर आ जाएंगे। अब वैदिक एज जो होगी वो 1500 से 500 BC तक चलेगी, और जो आपकी वैदिक एज होगी उस वैदिक एज को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहले अर्ली वैदिक एज एंड फिर बाद में लेटर वैदिक एज, और फिर हम देखेंगे कि उस टाइम पे क्या सिस्टम था पूरा का पूरा। तो हम आईबीसी भी कर चुके हैं, चालकोलिथिक एज भी कर चुके हैं, वैदिक एज के ऊपर आ चुके हैं, अब यहाँ पे आयरन भी डिस्कवर हो चुका होगा तो उसको देखेंगे हम। कोई क्वेश्चन है किसी का अभी तक यहाँ पर इसके रिगार्डिंग, आईबीसी के रिगार्डिंग वगैरह वगैरह कुछ भी? चलो ठीक है, तो वैदिक एज को स्टार्ट कर देते हैं थोड़ा सा है ना। तो वही है कि जनरली इसका टाइमिंग 1500 से 500 BC तक बताया जाता है ना। 1 मिनट, हाँ तो 1500 से 500 BC तक इसका टाइम बताया जाता है। ओके और फिर वही है कि मैं बता रहा था कि इंडो आर्यन आ चुके हैं, अब इंडो आर्यन आएंगे वो सेटल होने लगेंगे इंडिया के अंदर, वो कहाँ से आएंगे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट की तरफ से आएंगे। और ठीक है फिर काफी बार काफी लोग बताते हैं, काफी लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जो आईबीसी के लोग है ना वो प्रोटो ड्रेविडियंस है। एक्चुअली में हुआ क्या, जैसे ही लोग आए आर्यन आए तो उन्होंने पुश किया आईबीसी के लोगों को तो साउथ इंडिया की तरफ चले गए, तो आज जो प्रोटो ड्रेविडियंस लोग है ना वही आईबीसी वाले लोग हैं, ऐसे भी बताया जाता है काफी लोग। अब हम देख लेते हैं कि भाई आर्यन आ रहे हैं, आर्यन वैदिक एज को स्टार्ट करेंगे, और आर्यन जो होंगे वो कौन है ना, लोग अलग अलग थ्योरम देंगे अपनी अपनी है ना आर्यन के बारे में। कोई लोग बोलेंगे कि भाई ये तो सेंट्रल एशिया से आए हैं, कोई लोग बोलेंगे कि ये लोग तो भाई आर्कटिक से आए हैं, कोई लोग बोलेंगे कि ये लोग तो तिब्बत से आए हैं, कोई पामीर प्लेटू से आए हैं ऐसे बोलेंगे, कोई तुर्किस्तान से आए हैं ऐसे बोलेंगे। इसको याद रखना है किसने क्या बोला है ना, ध्यान रखना मैक्स मूलर ने बोला है कि लोग सेंट्रल एशिया से आए हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने बोला है कि ये लोग कहाँ से आए हैं, आर्कटिक होम की थ्योरी दी है इन्होंने उनकी ठीक है। और फिर मतलब दयानंद सरस्वती बोलते हैं कि तो तिब्बत से आए हैं ठीक है, और आपके जो है एक कोई मेयर थे वो बोलते हैं कि पामीर प्लेटू से आए हैं, और एक हुर्ज फील्ड करके थे उन्होंने बोला तुर्कमेनिस्तान से आए हैं। लेकिन ज्यादातर अभी जो प्रोमिनेंस के अंदर है वो है मैक्स मूलर वाला कंसेप्ट कि ये सेंट्रल एशिया से आए हैं ठीक है। तो थे कौन आर्यन, तो आर्यन एक्चुअली में क्या थे, वो लोग थे जो कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोला करते थे ठीक है। तो ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोला करते थे, इस चीज को आपको ध्यान रखना, ये लाइन आ सकती है ठीक है। आर्यन कोई रेस नहीं है, आर्यन जो वर्ड है, द टर्म आर्यन डिनोट ए लिंग्विस्ट एंड नॉट ए रेस। आर्यन जो वर्ड है कभी बोल सकते हैं कि आर्यन वर्ड किस चीज को डिनोट करता है, फिर एक लिखा होगा रेस को, एक लिखा होगा लिंग्विस्टिक ग्रुप, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आर्यन डिनोट ए लिंग्विस्टिक ग्रुप नॉट ए रेस ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है। और उनकी लैंग्वेज संस्कृत हुआ करती थी ठीक है, जो कि ईरानियन फैमिली की जो लैंग्वेज थी उसी की ब्रांच लैंग्वेज थी, इस चीज को आपको ध्यान रखने चल रहा है कि ईरानियन फैमिली की जो लैंग्वेज थी उसी की ब्रांच लैंग्वेज थी संस्कृत ठीक है। और आर्यन जो आर्य जो आर्यन एक तो मैंने बोला आर्यन, और जो आर्य वर्ड होता है ना उसका जनरली मतलब होता है नोबल कैरेक्टर या फ्री बॉर्न। तो आर्यन जो वर्ड होता है आर्य, सॉरी आर्य वर्ड का मतलब होता है नोबल कैरेक्टर हो किसी का या फिर फ्री बॉर्न हो वो ठीक है। अब काफी बोलते हैं कि आर्यन माइग्रेट क्यों किए, क्यों ये माइग्रेट करते हुए यहाँ पे आए, तो बोलते हैं कि ये नॉमेडिक्स हुआ करते थे, रूरल हुआ करते थे ये लोग, कैटल कीपिंग पीपल हुआ करते थे, और सच में पैस्टर्स की सच में मतलब इधर उधर घूमते रहते होंगे है ना, अभी थोड़ा क्लाइमेट वगैरह बदल गया होगा कहीं का, तो फिर इस वजह से ये क्या घूमते घामते माइग्रेट करते हुए अपने होम जो होम जगह थी और ना होमलैंड को छोड़ते हुए फिर यहाँ पे आ गए होंगे ना, वैरायटी ऑफ जॉन्स में चले गए होंगे मतलब आ गए होंगे यहाँ पे। तो ये बताते हैं, मैंने बताया दिया आर्यन के बारे में ठीक है, आर्यन के बारे में किसके बारे में किसका क्या मानना है। इसमें सबसे ज्यादा जो मतलब कि अभी सपोर्टेड जो है थ्योरम वो है आपकी मैक्स मूलर ने जो सेंट्रल एशिया का बताया है ना आर्यन को, वही है। और इनके जो सपोर्टिंग एविडेंस है ना, इसके सपोर्टिंग एविडेंस भी है ना, क्योंकि एक इंस्क्रिप्शन मिला है इसका नाम रखना आपको याद, बोज BOGHAWH AZ बॉज हाज वॉट एवर जो भी आप इसको बोलोगे, BOGHAZ कोई बॉज हज कोई बॉज बॉग हज सॉरी बॉग BOG मतलब बॉग हज कोई इंस्क्रिप्शन मिला है टर्की के अंदर। तो उसके अंदर आर्यन के बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ भी है, तो वहां से कुछ एविडेंस भी मिल जाते हैं थोड़े थोड़े से ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक आर्यन एंड ऑल दैट। अब हम देखते हैं कि अब वैदिक एज के थोड़े सेलियंट फीचर्स देख लेते हैं हम, जैसे आईबीसी के फीचर्स देखे थे हमने, इसी तरह से हम वैदिक एज के फीचर्स को अब देखेंगे। तो जब हम वैदिक एज के फीचर देखने के लिए जा रहे हैं तो देखते हैं कि लोगों ने सेटलमेंट्स वगैरह कहाँ पे किए, कहाँ पे आके लोग रहने लगे। तो जैसे अर्ली वैदिक एज की जब हम बात करते हैं, स्टार्टिंग की जो वैदिक एज थी सप्त सिंधु रीजन जो आपका है,
सबसे सिंधु रीजन कौन सा है आपका? एंटायर इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, स्वेट वैली, पंजाब, इंडो गैंगेटिक वाटरशेड हैज रेफर्ड एज द ऋग्वेद एज द सब सिंधु रीजन। तो सब सिंधु रीजन लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स किसको बताया गया है? पूरा आपका अफगानिस्तान हो गया, पूरा आपका स्वेट वैली हो गया, पंजाब हो गया आपका, ठीक है, और इंडो गैंगेटिक रीजन का जो वाटर शेड वाला एरिया है वो पूरा एरिया एक तरह से सप्त सिंधु बोला जाता है। और एक है ना ब्रह्मावर्ता, ब्रह्मावर्ता करके भी एक रीजन बताया जाता है। तो ब्रह्मावर्ता कौन सा है? सप्त सिंधु जो रीजन है उसके जस्ट आप साउथ ईस्ट में चले जाइए थोड़ा सा, वहां पे दो तीन एक दो रिवर थी, लाइक सरस्वती रिवर थी, एक घग्गर रिवर थी, और घग्गर रिवर का ही दूसरा नाम है दस्तावती, है ना, दस्तावती मतलब DRISSADVATI, दस्तावती, इसी को घग्गर रिवर बोलते हैं। तो थोड़ा जो आपका सप्त सिंधु रिवर है उसके आप साउथ ईस्ट में आ जाइए थोड़ा सा, तो उस वाले रीजन को आप बोलेंगे ब्रह्मावर्ता रीजन, ब्रह्मवर्ता, है ना। तो ब्रह्मवर्ता रीजन के अंदर और सप्त सिंधु रीजन के अंदर ये लोग रहा करते थे। कौन से वाले लोग? अर्ली वैदिक एज वाले लोग, अर्ली वैदिक एज वाले लोग। फिर लेटर वैदिक एज वाले लोग कहाँ जाएंगे? लेटर वैदिक एज के अंदर जो है ये आर्यवत रीजन के अंदर चल जाएंगे। आर्यवत रीजन कौन सा होगा? ठीक है, जिन्होंने जो भी रीजन आर्यन ने कवर किया उसको आर्यवत रीजन बोल दिया। तभी क्या करेंगे, थोड़े से साउथ साउथ ईस्टर्न इंडिया की तरफ थोड़ा शिफ्ट होंगे, साउथ इंडिया की तरफ थोड़े शिफ्ट होंगे, और गंगा की तरफ चले जाएंगे, विंध्याज की तरफ चले जाएंगे, ठीक है, तो गंगा विंध्याज वगैरह की तरफ चले जाएंगे। अभी एक चीज को आपको याद रखना है, हुआ क्या है, यमुना रिवर का दो बार और गंगा रिवर का एक बार मेंशन मिलता है इस चीज के अंदर, जो आपके जो फैक्ट्स मिलते हैं ना अर्ली आर्यंस के जो भी फैक्ट मिलते हैं, तो उसमें दो बार ही केवल यमुना रिवर का मेंशन है और गंगा रिवर का मेंशन एक बार है, ठीक है। तो इससे आ सकता है कि क्या इसमें मतलब कि मेंशन किया गया था यमुना और गंगा तक का, तो गंगा का एक बार मेंशन है और यमुना का दो बार मेंशन है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। अब देखो थोड़ा याद रखना कि लैंड ऑफ जो सेवन रिवर्स था ना उनके सबके अर्ली वैदिक एज हुआ करते, तो आज के नाम भी है, तो काफी बार इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है, लाइक अर्ली वैदिक नेम क्या हुआ करता था, अर्ली वैदिक नेम रिवर का और आज का नाम क्या है, लाइक सिंधु बोलते थे उस टाइम पे, आज इसको इंडस रिवर बोलते हैं, उस टाइम पे सिंधु बोलते थे। आज जो झेलम रिवर है उसको उस टाइम पे वितासे बोलते थे, VITASE, वितासे, ठीक है। आज की जो चिनाब रिवर है उसको अस्किनी बोलते थे, आज की जो रावी रावी रिवर है उसको पुरुषनी बोलते थे, आज की जो ब्यास रिवर है उसको विपास बोलते थे, VIPS, आज की जो सतलज रिवर है उसको सुतुदरी बोलते थे, सुतुदरी, आज की जो गोमती रिवर है उसको गोमल या गोमल बोलते थे, या गोमल बोलते थे, ठीक है। आज की जो कुर्रम है उसको क्रूम बोलते थे, क्रूमू बोलते थे, KRUMU, है ना, ज्यादा याद नहीं रखना, कुछ याद आ जाता तो जरूर सही है, ठीक है। इसमें थोड़ा ये याद रख लेना कि चिनाब को अस्किनी बोलते थे, झेलम को सॉरी चिनाब को अस्किन में बोलते थे, झेलम को वितासे बोलते थे, इंडस को सिंदस बोलते थे, और रवि को पुरुषनी बोलते थे, व्यास को विपास बोलते थे, है ना, ये थोड़ा मेजर मेजर याद रखना, ठीक है। और घग्गर को मैंने बता ही दिया तुम्हें, दस्तावती बोलते थे, दस्तावती, ठीक है। तो ये हो गए आपके नाम थोड़े थोड़े से, तो ये वैदिक एज की बात चल रही है यहाँ पर। अब वैदिक एज को भी मैंने दो पार्ट में बांट दिया, एक तो अर्ली वैदिक एज और एक लेटर वैदिक एज। 1500 से लेके 1000 तक तो आपकी अर्ली वैदिक एज थी, और 1000 से लेके 500 तक आपकी लेटर वैदिक एज हुआ करती थी। तो अर्ली वैदिक एज के अंदर ये लोग सब सिंधु रीजन के अंदर रहते थे, उनका जो मेजर फंक्शन थे उस टाइम पे वो क्या होता था, पेस्टोरल एग्रीकल्चर, है ना, ये सब चीजें की हुआ करती थी। बाद में क्या करेंगे, थोड़ा सा गैंगेटिक रीजन की तरफ चले जाएंगे, अब इनका प्राइमरी जो का ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्प्रेड हो जाएंगे, फैल जाएंगे, थोड़ा अपने आप को वाइड कर लेंगे। अब हम देखेंगे वैदिक एज की सोशल लाइफ, फिर हम देखेंगे वैदिक एज की सोशल लाइफ के बाद और भी लाइफ देखते रहेंगे, सब चीजें देखते रहेंगे, जैसे IBC के अंदर देखे आए थे ना वैसे, उस टाइम वुमेन वगैरह की कंडीशन कैसी थी वगैरह वगैरह सब। तो सोशल लाइफ स्टार्ट करते हैं, सोशल लाइफ में भी इसको ब्रेक करते हुए चलेंगे, लाइक अर्ली वैदिक एज के अंदर सोशल लाइफ देखेंगे, फिर लेटर वैदिक एज के अंदर सोशल लाइफ देखेंगे। तो सोशल लाइफ के अंदर हम देख लेते हैं थोड़ा सा, नॉमेडिक थे, पैट्रियार्कल सोसाइटी हुआ करती थी, प्रीडोमिनेटली पेस्टोरलिस्ट हुआ करते थे, एग्रीकल्चर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन हुआ करता था इनका, ठीक है। पहले पेस्टोरलिस्ट थे, फिर एग्रीकल्चरिस्ट थे, पहले पेस्टोरलिस्ट थे, फिर एग्रीकल्चरिस्ट थे, मतलब सेकेंड ऑक्यूपेशन उनका क्या था, एग्रीकल्चर था, ठीक है, ओके। और ट्राइबल सोसाइटी थी, सोसाइटीज के अंदर क्या हुआ था, ऑक्यूपेशन के बिहाफ पे डिवीजन हो रखा था, प्रिस्ट हुआ करते थे, वेरियर क्लास और कॉमन लोग हुआ करते थे। अब एक इंपॉर्टेंट रोल आ गया, जो ऋग्वेदिक लोग थे ना वो स्लेवरी से फेमिलियर थे, कभी आ सकता है कि ऋग्वेदिक लोग स्लेवरी से फेमिलियर नहीं थे, तो आपको याद रखना कि ऋग्वेदिक लोग फैमिली सॉरी स्लेवरी से फेमिलियर थे, ठीक है। सोशल सोसाइटी है ना वो इगेलिटेरियन टाइप की नहीं थी, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हो चुका था डिवीजन ऑफ द लेबर एंड जेंडर के भी यहाँ पे। तो कोई बोल देगा ना कि पैलियोलिथिक एज के अंदर जैसे इगेलिटेरियन टाइप के लोग रहा करते थे, कंबाइंड जुट के एक साथ रहते थे, वैसा सेटअप अब ब्रेक होने लगा था क्योंकि स्ट्रेटिफिकेशन हो चुका था सोसाइटी के अंदर ऑन डिवीजन ऑफ लेबर एंड जेंडर, ओके, जेंडर और लेबर के भी यहाँ पे। अब लेटर वैदिक एज मतलब 1000 से लेके 500 में क्या होगा, ये तो 1500 से 1000 तक देख लिया हमने। अब क्या होगा, कास्ट एक्जोगेमी एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस की जाने लगेगी, कास्ट सिस्टम रिजिड हो जाएगा एकदम। पहले तो क्या होता था, फिर भी सोशल इतना ज्यादा रिजिड नहीं था सिस्टम, मतलब आपस में एक दूसरे में मूवमेंट पॉसिबल था, लेकिन अब ये पूरा हायरार्किकल बन जाएगा, रिजिड सोशल हायरार्की क्रिएट हो जाएगी और सोशल मोबिलिटी काफी हद तक रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी।
जो सोशल मोबिलिटी पहले ज्यादा थी वो अब रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, ट्राइबल एंड सेडिमेंट्री सोसाइटी बन जाएगी, लेटर वैदिक की इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, पैट्रियार्कल सोसाइटी और ज्यादा रिजिड हो जाएगी, ठीक है, और प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चरलिस्ट, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर वगैरह प्रीडोमिनेंटली होने जाएगा, उसके अलावा कैटल रियरिंग, डोमेस्टिकेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन हो जाएगा, ठीक है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो होगा पहले किसके आधार पे था, डिविजन ऑफ लेबर और जेंडर के आधार पे, अब जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होगा वो वर्ण और धर्म के आधार पे हो जाएगा, ठीक है। बड़े बड़े किंगडम निकल के आने लगेंगे, किंगडम बनने लगेंगे क्योंकि महाजनपदा वाला टाइम आने वाला होगा, क्योंकि आयरन आ चुका है, आयरन कोई निकालने लगे हैं, हथियार बनाने लगे हैं, तो हथियार बना के युद्ध लड़ने के लिए तैयार होने लगे हैं अभी लोग, ठीक है। तो अब थोड़ा थोड़ा सा बड़े बड़े किंगडम के आने का समय भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये सब कुछ था। और फिर इसमें है ना लेटर वैदिक सोसाइटी को आप ऐसे भी जानते हो, वर्ण आश्रम धर्म सोसाइटी, तो इस टाइम पे अब क्या होगा, आश्रम सिस्टम चलेगा, उसके अलावा इसमें है ना पुरुषार्थ क्या होते हैं ना वो चलेंगे। तो देखो आश्रम सिस्टम का आपको बताया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ठीक है, ये चार आश्रम होते थे, सबको बताया। ब्रह्मचर्य मतलब जब इंसान सेलिब्रेट होता है, स्टूडेंट हुड बोलते हैं इसको, गृहस्थ आश्रम मतलब हाउस होल्ड केयर टेकर जब होता है, वानप्रस्थ मतलब जब वो पार्शियल रिनन्शिएशन करता है, और संन्यास मतलब कंप्लीट रिनन्शिएशन उसने कर लिया है, रिनन्शिएशन कंप्लीटली कर लिया है तो संन्यास हो गया, तो इस तरह से होता था ये बाद में, ठीक है। और उसके बाद क्या होता था कि ये आश्रम सिस्टम था है ना, तो उसके बाद ये जो आश्रम सिस्टम था ना, वुमेन्स के ऊपर, शूद्रों के ऊपर लागू नहीं होता था, ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना। उसी तरह से फिर पुरुषार्थ हुआ करते थे, पुरुषार्थ चार टाइप के थे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म मतलब मॉरल ड्यूटी, अर्थ मतलब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, काम मतलब लव एंड प्लीजर, और मोक्ष मतलब स्पिरिचुअल लिबरेशन आपका हो जाएगा, उसे मोक्ष बोल देंगे। उसी तरह से फिर वर्ण सिस्टम आ गया था। देखो वर्ण सिस्टम कैसे आया ना, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो एक्चुअली में क्या था, वर्ण जो टर्म है ना वो कलर के लिए यूज में लिया गया है ना, कलर के यहाँ पे क्लासिफिकेशन इन सोसाइटी को वर्ण के द्वारा लिया गया है। सबसे पहले क्या हुआ था, वर्ण वर्ड पहले सबसे पहले क्यों आया था, इसे थ्रू डिफ्रेंशिएट किया गया था वैदिक और नॉन वैदिक पीपल के बीच में। तो एक्चुअली में क्या हुआ था कि जो डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले लोग हुआ करते थे ना, डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले लोग, ऋग्वेद में उनके लिए क्या बोला गया है, उनके लिए दासाज या फिर दस्यु बोला गया है, दस्यूज, दस्यूज या दासाज करके वर्ड आता है उनके लिए। तो इस तरह से वर्ण सिस्टम थोड़ा सा इवॉल्व होने लगता है। और एक आपको ध्यान रखना है, ऋग्वेद के 10th मंडल के अंदर चार वर्णों की बात की गई है। तो कोई पूछे चार वर्ण कहाँ पे बताए गए हैं, तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें बताए गए हैं चार वर्ण, ठीक है, और चार वर्ण कहाँ पे बताए गए हैं, 10वें, 10वें मंडल के अंदर फाउंड होते हैं। जो मंडल आई थी उसका नाम भी है सही, है ना, पुरुषा सुक्ता करके, जो कि इंडिकेट करता है वर्ण सिस्टम को, ठीक है, तो लाइक जो ऋग्वेदिक टाइम के एंड में जो वर्ण सिस्टम रहता है उसको इंडिकेट कर रहा है वो काफी हद तक, तो इसको आपको याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। फिर बाद में क्या होगा कि लेटर वैदिक एज, तो मैं प्राइमरी वैदिक एज की बात कर ली वर्ण सिस्टम के अंदर, ठीक है, और फिर बाद में क्या होगा कि चार वर्ण जो डिवीजन है ना सोसाइटी के अंदर काफी प्रोमिनेंट हो जाएंगे, फिर ये फिर है ना उसके अंदर भी चार वर्ण के अंदर भी अब क्लास बनेंगी दो, है ना, सॉरी जो चार वर्ण सिस्टम है जिसमें कौन कौन से चार वर्ण सिस्टम है, एक है ब्राह्मण, एक है क्षत्रिय, एक है वैश्य, एक है शूद्र। तो इसमें से जो ब्राह्मण क्षत्रिय जो है, ठीक है, ब्राह्मण और क्षत्रिय है, उनकी दो क्लास बनेगी, इनको काफी सारे प्रिविलेज दिए जाएंगे, ठीक है। और जो चार पूरे वर्ण है मतलब कौन कौन से, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इसमें से जो शुरू के तीन है, तीन इनको बोलेंगे दिविजा, इनको दिविजा बोलेंगे ना, दिविजा, DYDVIJA, दिविजा इनको बोलेंगे। इसका मतलब क्या होगा, जो पूरे चार वर्ण सिस्टम है उसमें से शुरू के जो आपके तीन वर्ण है ना वो कुल मिला के उपनयन संस्कार कर सकते हैं। उपनयन क्या होता है, लाइक सेरेमनी कंसिडर, जो आपके सेकंड बर्थ के तरीके से लिया जाता है उसको बोलते हैं ना, सेक्रेट थ्रेड वगैरह जो उतारी जाती है, कुछ किया जाता है ना वो होता है, कुछ उपनयन नहीं सॉरी, इसको जो भी बोलते हैं एक्चुअली में, अभी मेरे को नहीं समझ आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, शायद वही बोलते होंगे कुछ, तो वो संस्कार हो पाएगा फाइनली, उपनयन संस्कार ही होता होगा आई थिंक, है ना, तो ये हो जाएगा। तो ये तीन कास्ट में ही अलाउड होगा, ठीक है, शूद्र जो होते हैं उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा, तो ध्यान रखना इनको, और तीन धर्मों को एक साथ बोल के मिलके बोलते थे दिविजा, दिविजा मतलब कि ट्वाइस बॉर्न, ठीक है, ट्वाइस बॉर्न, दो बार जन्म हुआ जिसका, एज दे हैड द राइट टू सेक्रेट थ्रेड सेरेमनी कंसिडर्ड अकिन टू द सेकंड बर्थ, जिसे सेकंड बर्थ की तरह लिया जाता था। तो ये आप समझ चुके हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ओके। तो वही है, इसमें अर्ली वैदिक सिस्टम के अंदर थोड़ी सोशल लाइफ में फैमिली को भी हम देखना पाए, तो जो फैमिली जिसे हेड की जाती थी उसको गृहपति या कुलापा बोलते थे अर्ली वैदिक एज के अंदर, जिसको जो इंसान फैमिली को हेड करते थे उसको बोलते थे गृहपति या कुलापा, ठीक है, और फैमिली को बोलते थे कुल। तो फिर बाद में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम आ जाएगा, पैटर्नल सिस्टम चलता रहेगा, लेटर वैदिक एज के अंदर पैटर्नल सिस्टम थोड़ा सा और ज्यादा फॉलो होने लगेगा, ठीक है, और वुमेन्स जो होंगी वो जनरली कन्फाइंड हो जाएंगी हाउस होल्ड काम के लिए वगैरह वगैरह के लिए, ठीक है, और फैमिली भी बड़ी बड़ी हो जाएंगी थोड़ी थोड़ी, तीन तीन चार चार जनरेशन उसमें आ जाएंगी फैमिली के अंदर, ठीक है। अब आपको थोड़ा याद रखना है, दो जगह है, एक तो है अतरंजी खेरा ना, अतरंजी खेरा,
और एक है, दोनों ही वेस्टर्न यूपी के अंदर है, वेस्टर्न यूपी प्रेजेंट, वेस्टर्न यूपी मतलब वही नोएडा वोएडा ग्रेटर नोएडा, ये सारा वेस्टर्न यूपी के अंदर ही आता है ना इस वाला रीजन। यहाँ पे दो साइट्स डिस्कवर की गई है, एक तो है आपका अतरंजी खीरा, अतरंजी खीरा ATRNGIKHERA अतरंजी खीरा, और दूसरा है आपका अहिचत्रा करके कुछ है मतलब है ना दूसरा, तो अतरंजी खीरा तो पक्का याद ही रख लेना। यहाँ पे बहुत सारे चूल्हे मिले हैं, मतलब चूल्हे मतलब आपके जो जिसपे खाना वाना बनता है ना, एक साथ लाइन में मिले हैं बहुत सारे चूल्हे जो है। इसका मतलब होता है, इसका इंडिकेशन क्या है कि बड़े बड़े परिवार हुआ करते होंगे उस टाइम पे, ठीक है, तो लाइन से चूल्हे मिले वगैरह। तो और इसमें यदि मेरे सिस्टम का देखते हैं तो मोनोगेमी थी जनरली, लेकिन जो लोग थोड़े रॉयल हुआ करते थे, नॉबल हुआ करते थे, वो पॉलीगेमी में भी इन्वॉल्व रहते थे, ठीक है। तो उसके बाद ये हो जाएगा आपका। उसके बाद है जो हम थोड़ा सा इसमें एजुकेशन को देखना चाहें, तो एजुकेशन में यही था कि पहले स्टार्टिंग में है ना मेल टीचर ही नहीं होते थे अर्ली वैदिक एज, मतलब 1500 से 1000 BC तक केवल मेल टीचर नहीं होते थे, फीमेल टीचर्स भी होती थी, लाइक मैत्री एंड गार्गी, सॉरी गार्गी, मैत्री एंड गार्गी जो थी वो गिफ्टेड स्कॉलर थी, टीचर थी, ठीक है, और सारे इंस्ट्रक्शंस ऑरली दिए जाते थे। लेकिन लेटर वैदिक एज के अंदर मतलब कहाँ से कहाँ तक, 1000 से 500 तक में क्या हो जाएगा, फिर इसमें है ना वर्ण आश्रम की स्टार्टिंग हो जाएगी, तो उपनयन संस्कार आपका स्टार्ट हो जाएगा ना, इसको इन्वेस्टिचर सेरेमनी भी बोलते हैं, और ये केवल 3 लोगों के लिए अलाउड होगी, 3 वर्णों के लिए, जिसे द्विविधा कास्ट एज बोलेंगे, जिन्हें शूद्र नहीं होंगे एंटाइटल्ड इस चीज के लिए, शूद्र वर नॉट एंटाइटल्ड टू एजुकेशन, शूद्राज वर नॉट एंटाइटल्ड टू एजुकेशन, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। वुमेन का स्टेटस देख लेते हैं अब हम, है ना, जब देख ही रहे थे अर्ली वैदिक एज के अंदर वुमेन का स्टेटस क्या था और बाद में क्या होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग का जो अर्ली वैदिक एज थे ना, उसमें थोड़ा सा वुमेन की स्थिति जो स्थिति वो थोड़ी डिग्निफाइड थी, ठीक है, और वो मतलब काफी चीजों को अटेंड कर सकती थी, है ना, लाइक विधाता बोलते हैं ना, विधाता बोलते थे, पॉपुलर असेंबलीज होती थी उनको वो अटेंड कर लेती थी, है ना, उसमें पार्ट वार्ट ले लेती थी वो, उनको राइट टू एजुकेशन भी था अर्ली वैदिक एज के अंदर, राइट टू प्रॉपर्टी भी था फीमेल्स को, ठीक है। उसके बाद काफी सारी उस टाइम पे फीमेल पॉइटेस भी हुई है ना, फीमेल पॉइट्स भी हुए हैं काफी, वुमेन पॉइट्स भी हुई है, पॉइटेस बोल सकते हैं जो भी है, वो है अपाला, विस्वारा, घोषा, लोपामुद्रा, है ना, इन्होंने हिम्स वगैरह कंपोज किए हैं, और इन्होंने उपनयन भी रिसीव किया है, ये याद रखना है आपको, उपनयन किसका होता है, एजुकेशन वाला, तो वो भी इन्होंने रिसीव किया है, तो लाइक अपाला, विश्वेश्वरा और घोषा, लोपामुद्रा, ये काफी थी। और दंपति एक वर्ड होता है, उसको बताइए आपको दंपति क्या होता है, पति पत्नी का जो जोड़ा होता है उसको दंपति बोलते हैं, ठीक है, और इसका मतलब होता था कि इक्वल अथॉरिटी है दोनों की घर के अंदर। तो अर्ली वैदिक एज के अंदर फीमेल की स्थिति फिर भी काफी हद तक अच्छी थी, उनको अपना पार्टनर चूज करने का अधिकार था, ठीक है। लेकिन डॉवरी वगैरह उस टाइम पे थी, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, डॉवरी नहीं थी केवल ना, इसके अलावा ब्राइड प्राइस भी हुआ करती थी, मतलब दोनों चीजें थी, मतलब काफी बार मतलब कि ब्राइड प्राइस होने का मतलब उनको भी पैसे देने होते थे, उल्टा भी था सिस्टम मतलब, है ना। और इसमें लेवी, जो लेवी रेट सिस्टम आपको बताइए, है ना, लेवरेट सिस्टम जो था, मैरी करना किसी के यंगर ब्रदर से यदि उसके पति की डेथ हो जाती है, तो लेवरेट जो था सिस्टम चला करता था ऋग्वेद के अंदर, ठीक है, ओके। उस टाइम पर रहना है, ध्यान रखना कि बच्चियों के लिए, डॉटर्स के लिए कोई डिजायर नहीं होती थी, लेकिन डिजायर होती थी चिल्ड्रंस के लिए और कैटल्स के लिए, पता नहीं क्या है इसका मतलब, चलो छोड़ो कोई ना, तो हो गया यहाँ तक अपना। फिर उसके बाद आगे चलते हैं लेटर वैदिक एज के अंदर, देख लेते हैं थोड़ा सा पोजीशन डिग्रेड हो जाएगी वुमेन की, है ना, अब वुमेन की पोजीशन डिग्रेड होने लगेगी, और उनको हाउस होल्ड वगैरह के काम दे दिए जाएंगे, थोड़े बहुत प्रिविलेज होंगे उनको, हल्के फुल्के से ज्यादा कुछ नहीं होंगे, और अब उनको क्या होगा कि पॉलिटिकल राइट्स भी खत्म हो जाएंगे, और अटेंडिंग जो असेंबलीज होती है वो भी उनकी कम होने लगेगी, खत्म होने लगेगा, और उनको मेल के सबॉर्डिनेट कर दिया जाएगा, और हाउस होल्ड के जो काम होते हैं, सबॉर्डिनेट जो पोजिशन होती है वही उनको दी जाएगी, ठीक है, सती प्रथा स्टार्ट हो जाएगी। कुछ रेयर इंस्टेंस मिलते हैं सती प्रथा के, तो कभी आता है क्वेश्चन आ जाता है कि एब्सेंस थी लेटर वैदिक एज के अंदर सती प्रथा, तो आपको ध्यान रखना कि रेयर इंस्टेंस मिलने लगेंगे चाइल्ड मैरिज के और सती प्रथा के, ठीक है, और चाइल्ड मैरिज है ना काफी कॉमन होने लगेगी धीरे धीरे फिर बाद में, ठीक है। इस टाइम पे अत्रेय ब्राह्मणा, अत्रेय ब्राह्मण थी एक, है ना, उनके हिसाब से डॉटर को फिर बाद में शॉर्ट्स ऑफ मिजरी बताया जाने लगेगा, और फिर मतलब फीमेल्स की डॉटर वॉटर सबकी कंडीशन खराब होने लगेगी, और स्टेटस ऑफ वुमन है जो वो खराब होगा, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। फीमेल की स्थिति देख ली हमने, वैदिक ही देख रहे हैं हमें ना, सारे फीचर्स देख रहे हैं उसके अंदर, उसके बाद थोड़ा एक्सटेंसिव थोड़ा ब्रॉड हो रहा है, पर यार यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं काफी बार सीधे, इसलिए मैं बता रहा हूँ इतना ज्यादा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर देख लेते हैं कि और थोड़ा इनका ड्रेसिंग सेंस वगैरह क्या हुआ करता था, तो एक कॉटन एंड वूल के कपड़े वगैरह पहना करते थे, आप ध्यान रखना ये दो जो कपड़े पहनते थे, इसमें जो उनका अपर गार्मेंट्स होते थे ना, अपर गार्मेंट्स उनको बोलते थे उतरिया, उतरिया URTAARIYA उतरिया, और जो लोअर गार्मेंट होते थे उनको बोलते थे अंतरिया, ANTARIYA अंतरिया, ठीक है।
होते थे उनकी हेल्थ और हाइजीन के अंदर यदि थोड़ी बात करते हैं हम, तो बोलते थे ये लोग 100 साल तक जिया करते थे ना, 100 ईयर्स तक। मैंने आपको बताया था कि पहले जो आपकी पैलियोलिथिक एज के जो लोग थे उनकी जो स्टार्टिंग वाली एज थी उसमें जो लोगों की एज कितनी बताई थी, उम्र मैंने बताई थी आपको, उम्र हुआ करती थी उनकी कितनी बताई थी, मैंने कोई बताया था? पैलियोलिथिक एज के अंदर मैंने उम्र बताई थी कि कितने लोग जिया करते थे नॉर्मली, एवरेज लाइफ जो बताई थी मैं, जो कि यहाँ पे बताई जा रही है कि 100 ईयर्स होती है यहाँ पे लोग बता रहे हैं, है ना। जनरली एवरीवन जनरली 100 साल तक जीता था उस टाइम पे, एज 20 से 25 साल, 20 साल के आसपास, है ना, पैलियोलिथिक एज के अंदर, याद रखना है आपको इस चीज को, मैंने बताया था काफी ज्यादा, है ना। उसके बाद इनकी ईटिंग हैबिट्स जो थी ना वो देख लो थोड़ा सा, तो इसमें एक थोड़ा ध्यान रखना अश्विनी करके, है ना, अश्विनी करके जो गॉड थे ना उनकी प्रेयर वगैरह करते थे, वो इनको डिजीज वगैरह से बचाने के लिए था कुछ कुछ ना, इनको डिवाइन फिजिशियन बोलते हैं अश्विनी को। और इनकी ईटिंग हैबिट्स के अंदर जो अर्ली आयुर्वेदिक एज के लोग जो थे वो यवा बार्ले, मतलब जौ को यवा बोलते हैं, YAVA, ये आ जाता सीधा YAVA, यवा बोलते हैं, बार्ले मतलब जौ को, और आपका जो वीट है उसको बोलते हैं गोधुमा, GODHUMA, गोधुमा। लेटर वैदिक एज के अंदर ये लोग वीट यूज में लेते हैं जैसे गोधुमा भी बोला जाता था, अर्ली वैदिक एज के अंदर ये यवा यूज में लेते हैं जैसे बार्ले भी बोलते थे हम लोग, ठीक है। उसके अलावा मिल्क का प्रोडक्शन लाइक घी वगैरह का प्रोडक्शन भी था, और है ना काउ का मीट खाना वो प्रोहिबिटेड था क्योंकि सेक्रेड एनिमल बताया गया है काउ को, ठीक है। और अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स वगैरह हुआ करते थे। एंटरटेनमेंट के लोग तौर पे लोग चैरिटी रेसिंग वगैरह, हॉर्स रेसिंग वगैरह, गैम्बलिंग वगैरह, डाइसिंग वगैरह, म्यूजिक वगैरह सब चीज करते थे ये, ठीक है। वोकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज में लेते थे, ठीक है। और ये सब कुछ था उनके यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक इसके बारे में है पूरा का पूरा वैदिक इसके बारे में। थोड़ा सा और देख लेना इसके अंदर, है ना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को हल्का सा और मैं बता देता हूँ क्योंकि ये वर्ड काफी बार आ जाते हैं। एक वर्ड वर्ड होता था विधाता, विधाता मतलब होता है ट्राइबल असेंबलीज, तो उस टाइम पे ट्राइबल असेंबलीज होती थी, उनको क्या बोलते थे, विधाता बोलते थे उनको। पेस्ट्रल जो लैंड होते थे ना मैनेज वाले पेस्ट्रल लैंड, उनको वृजपति बोलते थे, है ना, सॉरी वृजपति वो होता था जो पेस्ट्रल लैंड को मैनेज करता था। कुलापा मैंने बताया था फैमिली का हेड होता था, ठीक है। तो ये कुछ लोग होते थे। सभा और समिति, सभा तो क्या होती थी, सभा होती थी काउंसिल ऑफ एल्डर्स को सभा बोलते थे, और समिति होती थी जनरल असेंबली पूरे लोगों की, सारे लोगों की जनरल असेंबली को समिति बोलते थे, और एल्डर लोगों की जो काउंसिल होती थी उसको सभा बोलते थे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना आपको, तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो आपको याद रखनी, क्वेश्चन काफी बड़े यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ चीजें होती हैं लाइक राजन कौन होता था, जो ट्राइबल किंगडम होता था उसका जो मेन हेड होता था वो राजन होता था। विश्वपति कौन था होता था, तो देखो ऐसा था, सबसे पहले कुल या फैमिली थी, उसके बाद विलेज या ग्राम होता था, फिर विशु होता था, फिर जन या ट्राइब होता था, कुछ इस तरह से चीजें चलती थी। तो जो कुलिया फैमिली को हैंडल करता था वो कुलापा बोला जाता था, जो विलेज को हैंडल करता था वो ग्रामीणी बोला जाता था, विशु को जो हैंडल करता था हेड करता था वो विश्वपति बोला जाता था, और जो जना को ट्राइब को हेड करता था वो राजा या किंग बोला जाता था। इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ वॉर वगैरह भी हुए हैं, तो जो आर्यंस लोग हैं ना उन्होंने किन किन के साथ वॉर फाइट किया है ना, तो तीन टाइप के लोगों के साथ वॉर फाइट किया है आर्यंस ने, तो वॉर वाली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते थे। तीन टाइप के कौन कौन से लोग थे जिनसे इन्होंने वॉर फाइट किया, तो पहले तो प्री आर्यंस थे, ठीक है, जिनको दसाज या दस्युज बोला है। तो इनका एक तो दसाज दस्युज से वॉर होता था, जो प्री आर्यंस थे जो कि वर्ण में अलग हुआ करते थे इनसे, ठीक है। तो एक तो ये थे, और दूसरा क्या था, तो एक तो इन लोगों से फाइट किया करते थे ये लोग, है ना। और ये जनरली किस लिए होती थी ये बैटल, ये बैटल होती थी इनकी कैटल वगैरह की वेल्थ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि गाय के लिए युद्ध हुआ करते थे पहले, और टेरिटरी को पोजिशन करने के लिए। काफी बार इन लोगों ने आपस में अंदर ही अंदर भी फाइट किया, जिसे बोलते हैं बैटल ऑफ 10 किंग्स। जो आर्यन थे ना उन्होंने अंदर ही अंदर भी फाइट किया, जिसे बोलते हैं बैटल ऑफ 10 किंग्स, ठीक है। और जो बैटल हुआ करती थी ग्राम्स के बीच में उसे संग्राम बोलते थे, ठीक है। और सब ज्यादातर युद्ध जो होता है कैटल वेल्थ के लिए ही हुआ करते थे। एक पानिस करके एक बड़ा था, PANIS, पानिस के खिलाफ भी ये लोग युद्ध किया करते थे। तो ये पानिस कौन हुआ करते थे, तो ये पानिस वो लोग होते थे जो आर्यंस की जो कैटल थे उनको ले जाते थे, उनको छुपा देते थे, उनको चोर लेते थे, इस तरह से ये एनिमीज हुआ करते थे आर्यंस के, पानिस PANIS, है ना। तो ये जो पानिस हैं वो आर्यंस के फॉरेस्ट वगैरह के अंदर इस तरह से मतलब कि ले जाते थे इनकी कैटल्स वगैरह को, तो इनके लिए वो युद्ध लड़ते थे। और युद्धों का नाम याद रखना आप, है ना, बैटल का जो नाम है ना वो गाय से निकलता है, तो काफी जैसे गविष्टि बोल देंगे, गोसु बोल देंगे, गवयत बोल देंगे, गव्यू बोल देंगे, काफी बार ऐसा कुछ वर्ड आ जाता है ना, तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा थोड़ा बैटल का नाम हो सकता है, क्योंकि गाय के लिए बैटल फाइट करते थे लोग, ठीक है। और किंग और राजन जो ट्राइब को हेड करता था उसके बारे में आपको पता ही है, ठीक है। कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं था उसके लिए, कोई लॉ वगैरह नहीं था, रूल ऑफ लॉ वगैरह कोई ऐसा नहीं था, है ना। उसके पास कोई रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी वगैरह नहीं हुआ करती थी, ठीक है। और स्पाइसीज वगैरह लेकिन ये रखता था, है ना राजन, लेकिन कुछ स्पाइस रखता था, ठीक है, जो कि मतलब लोगों के कंडक्ट के ऊपर नजर रखा करते थे। और उसके बाद जो प्रोटेक्टर ऑफ काउ होता था ना उसको गोपा या गोपति बोलते थे, प्रोटेक्टर ऑफ काउ जो होता था।
और किंग को ही बोला जाता था जनरली गोपाया गोपति, क्योंकि वो प्रोटेक्टर ऑफ काउ माना जाता था, तो उसको गोपाया गोपति बोलते थे। और गोपति का जो ऑफिस था ना, वो हेरिडिटरी नहीं था, ध्यान रखना है आपको, मतलब किंग राजन हेरिडिटरी नहीं हुआ करता था वैदिक एज के अंदर, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और लेकिन जो क्लैंस होती थी उसी में से आदमियों में से उसको चुन लिया जाता था। लेटर वैदिक एज के अंदर ट्राइबल सेटलमेंट होने लगते हैं, ठीक है, और थोड़े स्ट्रॉन्गर किंगडम बनने लगते हैं, ठीक है, और रॉयल पावर थोड़ा इंक्रीज होने लगता है, और थोड़ा एक कम राष्ट्र दिखाई देता है, अपियर होता है। राष्ट्र जो वर्ड है ना, वो लेटर वैदिक एज के अंदर आता है, इसको ध्यान रखना थोड़ा सा आपको, ठीक है। अब काऊ के लिए, गाय के लिए नहीं लड़ेंगे, अब लोग टेरिटरी के लिए फाइट करना चालू करेंगे। अब है ना, अभी भी इनके पास स्टैंडिंग आर्मी तो नहीं होगी, ठीक है, इसी को ध्यान रखना है आपको। फिर ये बड़े बड़े यज्ञ करना चालू करेंगे, लेटर वैदिक एज की बात कर रहा हूँ, लाइक राष्ट्र वाजपेयी अश्वमेधा वगैरह, अपनी अपनी अपना वर्चस्व दिखाने के लिए। फिर थोड़ा जनपद वाला सिस्टम स्टार्ट होने लगेगा, ठीक है। तो जनपदा मतलब क्या होगा, इस तरीके से ये जो ट्राइब्स हैं, जो किंगडम्स हैं, जो ट्राइबल किंगडम्स हैं, वो जनपदों में कन्वर्ट होने लगेंगे, मतलब जुड़ जुड़ के कंबाइंड होके, है ना। और जनरली जो किंग होगा वो क्षत्रिय होने लगेगा बाद में, ठीक है। और ये जो मोनार्क होने लगेगा, हेरिडिटरी बनने लगेगा सिस्टम धीरे धीरे, ठीक है। और ये बड़े बड़े टाइटल टाइटल लेंगे अपने लिए, लाइक इकरात, सम्राट, इस तरीके के टाइटल लेंगे थोड़ा। और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज भी थोड़े थोड़े होने लगेंगे, है ना। लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज के अंदर क्या होने लगेगा, तो लाइक पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी, ये सब पोस्टें तो कंटिन्यू रहेंगी। हालांकि पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी वगैरह वाली पोस्टें तो इंपॉर्टेंट कंटिन्यू रहेंगी। ग्रामीणी कौन था, जो विलेज को हेड करता है, ठीक है, वो ग्रामीणी होता है। और कमांडर ऑफ जो आर्मी होता है वो सेनानी होता है, ठीक है। और पुरोहिता क्या होता है, पुरोहित वो प्रिस्ट होता है, वो पुजारी होता है जो राजा की मदद करता है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो ये सब लोग तो चलते रहेंगे आगे भी, ठीक है, लेटर वैदिक एज के अंदर भी, ठीक है। और असेंबलीज, विलेज असेंबलीज वगैरह में ये सब चीज चलने लगेंगी, है ना, वगैरह वगैरह। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या होगा, टैक्स कलेक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा, ट्रेजरी ऑफिसर आ जाएगा, टैक्स कलेक्टर बन जाएगा, रॉयल मैसेंजर वगैरह वाली पोस्ट नई नई क्रिएट कर दी जाएंगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक इसके बाद क्या होगा, ठीक है, ओके। अब वही है कि बार बार इकोनॉमी जो है, ये सॉरी, इनकी जो इकोनॉमी वगैरह है, नेचर ऑफ इकोनॉमी वगैरह, वही ये थोड़ा बदलेगा, कैटल वेटल डेयरिंग वगैरह होगी बाद में, चीजें बदलेंगी थोड़ी थोड़ी, है ना, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके। ये भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एक्टिविटीज करेंगे, ये ध्यान रखना है कि जो इनकी लेटर वैदिक एज के अंदर जो एक्टिविटीज थी ना, अब यहाँ पे काफी इंपोर्टेंट चीज है थोड़ी सी, है ना। यहाँ पे पीजीडब्ल्यू आएगा, पीजीडब्ल्यू कल्चर आएगा, है ना। थोड़ा सा ना एक दो वर्ड मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो आपकी वैदिक एज है उसके अंदर कॉपर को क्या बोलते थे, अयास बोलते थे, कॉपर को AYAAS, अयास, ये वर्ड सीधे आ जाते हैं। जैसे गोल्ड को क्या बोलते थे, हिरण्या, हिरण्या बोलते थे, और आयरन को बोलते थे श्यामा या कृष्णा, ठीक है। तो ये इनके नाम हुआ करते थे इन सब चीजों के, ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है थोड़ा सा। और बाद में ना पॉटरी काफी अच्छी हो जाएगी लेटर वैदिक एज के अंदर, पीजीडब्ल्यू टाइप की पॉटरी आ जाएगी, पीजीडब्ल्यू आयरन पेज कल्चर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी होगी, स्पेशल टाइप की पॉटरी होगी, और फोर टाइप की, चार टाइप की पॉटरी पाई जाएगी लेटर वैदिक एज के अंदर, पेंटेड ग्रे वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर, रेड वेयर। तो ये जो पेंटेड ग्रे वेयर है ना, ये काफी फेमस पॉटरी है ना, इसको याद रखना है आपको थोड़ा सा। ये थोड़ा सा टफ तरीके से बनती है, कुछ इंडिकेट करती है ये चीज, है ना, कुछ अलग सा है इसके अंदर, जो अभी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इसके अलावा कोई और अच्छा कीवर्ड इसके अंदर होगा, तो वेल्थ का अभी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा लेटर वैदिक एज के अंदर। हाँ, अब जो ट्रिजर होगा ना, आपका ट्रिजरर जो होगा उसको बोलेंगे संग्रहित्री, है ना। हाँ, संग्रहित्री जो होता है वो आपको ट्रेजर होगा, संग्रह करने वाला, मतलब संग्रह याद रख लेना। जो क्या होगा, जो टैक्स का कलेक्शन करेगा, मतलब ट्रेजर मतलब जो जो आपका पूरा कोष है ना, उस कोष का, धन कोष का पूरे का जो हेड होगा, ठीक है, उसको तो बोलेंगे संग्रहिती, है ना। और जो आपका एक वर्ड है बहुत बहुत ही अच्छा है, इसका नाम है BHADGAD, भागद, है ना, भागद फूका, भागत हुआ, मतलब ऐसे कुछ वर्ड आ जाते हैं, ध्यान रखना उसको, टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड है वो, है ना। आप हिंदी में देख लेना और थोड़ा वो अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें चलने लगेंगी, ठीक है, ये सब होने लगेंगे, थोड़ा रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी होगा, दान दक्षिणा होने लगेगी, पुजारियों को दान दिया जाने लगेगा, रिचुअल्स होने लगेंगे, रिचुअल्स के बाद में पुजारियों को चीजें दी जाने लगेंगी, ठीक है। ये सब चीजें होंगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह पहले नहीं होगी स्टार्टिंग में, अर्ली वैदिक एज के अंदर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा देख लेना आपको अच्छे से, है ना, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट था क्या। तो अर्ली वैदिक एज के अंदर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं था, ठीक है। और जो वेल्थ वगैरह को तो आप कैटल के थ्रू देखते थे, भाई किसके पास कितनी कैटल है ना, और जो कैटल रखने वाला बोला जाता था गोमत, GOMT, गोमत, ठीक है। और बाद में लेटर वैदिक एज के अंदर भी जो आपका लैंड वगैरह ऑनरशिप वगैरह, वो तो कम्युनली मतलब ग्रुप के अंदर ही रहेगी, क्लेन की राह करेगी लैंड, ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर की लैंड रहेगी, ठीक है। और मतलब लेकिन अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट इतना ज्यादा वहां पे रहा नहीं है, लेकिन ये हो सकता है जो हाउस होल्ड जो है उसका हेड जो होगा ना, जो उस लैंड को
ऑन करेगा उस हाउस होल्ड वाली लैंड को उसको बोलेंगे, हाउस होल्ड वाली पर्टिकुलर लैंड को जो ऑन करेगा उसको आप गृहपति वगैरह बोल दोगे ना, ऐसा ऐसा कुछ कुछ। लेकिन बहुत ज्यादा प्रोविजन है इसमें, प्राइवेट प्रॉपर्टी का नजर नहीं आएगा इसके अंदर ना। फिर ये लोग ट्रेड वगैरह भी करा करेंगे थोड़ा इसमें, है ना, वनिया वर्ड के जो वर्ड है ना यहीं से निकलता है, वनिया जो आज के वनिया वर्ड है, ये नहीं वही है, तो मर्चेंट हुआ करते थे ठीक है। और गनाज करके एक वर्ड है, ये वैश्य हुआ करते थे, गिल्ड्स ऑफ वैश्य। और इसी टाइम पे सेस्टिन करके निकल के आएगा, और ये मर्चेंट का ऑर्गेनाइजेशन होगा उसको सेस्टिन बोलेंगे ठीक है। बेबीलोन वगैरह से ट्रेड वगैरह ये लोग करना चालू करेंगे, ये सब चीजें चलती रहेंगी। इनके रिलीजन के अंदर क्या करेंगे ध्यान रखना, अर्ली वैदिक इसके लोग जो रिलीजन में है वो विंड को, रेन को, वाटर को, थंडर स्टॉर्म, नेचुरलिस्टिक जो पॉलिथिज्म था, तो ध्यान रखना है अर्ली वैदिक एज के अंदर है ना, अर्ली वैदिक एज के अंदर, पूर्व वैदिक काल के अंदर एक्चुअली में जो वर्शिप होती थी उनका जो रिलीजन था उसमें वो कैसे थे, पॉलिथिज्म को वो फॉलो करते थे, और प्रिमिटिव एनिमिज्म था उस टाइम पे, और ये लोग विंड, रेन, वाटर, थंडर, इन सब नेचुरलिस्टिक जो चीजें हैं ना उनकी प्रेयर किया करते थे, इस चीज को ध्यान रखना है आपको ठीक है। और वैदिक सॉरी ऋग वैदिक एज के अंदर जो गॉड्स है ना उनको देख लो आप, इंदिरा को क्या बोलते हैं, इंदिरा को आपको बोला जाता है थंडर है ना, थंडर जो होता है बादल जो गरजते हैं ना वो, उसके लिए जो सॉरी 1 मिनट, हाँ फायर के लिए अग्नि देव थे ही, अर्थ के लिए पृथ्वी थे, विंड के लिए वायु थे है ना, रेन के लिए वरुणा थे, और आपके इंद्र जो थे वो आपको आपको इनको बोला जाएगा। ओके इंद्र हो गया ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके तो ये इनके गॉड्स हो जाएंगे है ना। उसके बाद दो तीन वर्ड है ना, एक चीज आपको याद रखना है, रुद्रा, एक विष्णु और एक प्रजापति है ना, तो तीन गॉड्स बाद में इमर्ज होते हैं लेटर वैदिक एज के अंदर। जो आपके प्रजापति हैं वो क्रिएटर हैं, विष्णु जो है ना वो आपके प्रोटेक्टर हैं, और रुद्रा जो है आपके डेस्ट्रॉयर हैं ठीक है। तो ये सब चीजें चलती रहेंगी, काफी ज्यादा ओवरलैपिंग हो रही है इनके अंदर चीजों की। ओके तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तेजी से, ट्रस्टीड वगैरह आने लगेगा ठीक है। कभी पुरंदर जो वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है, पुरंदर डेस्ट्रॉयर ऑफ द फॉर्स, किलो को जो डेस्ट्रॉय करता है, अग्नि देवता भी काफी फेमस थे उस टाइम पे ठीक है। और जो अर्ली वैदिक की जो होती है ना उसमें है ना जो आपके इंद्र थे उनको लॉर्ड ऑफ वार बोला जाता था, और 250 हाइम्स है ना, उन 250 हिम्स के अंदर, ऋग्वेदा के अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में इनके बारे में बताया गया है, इंदिरा के बारे में ठीक है। और इंदिरा को ही जितेंद्र भी बोलते थे और पुरंदर भी बोलते थे, तो पुरंदर हो जाए चाहे जितेंद्र हो जाए, गॉड ऑफ विक्ट्री या फिर डेस्ट्रॉयर ऑफ फोर्स वगैरह, इसको इंद्र को बोल देंगे ये लोग ठीक है। और इसको थंडर से भी कनेक्ट करके देखेंगे, ये थंडर जो है उसको भी इंदिरा के साथ कनेक्ट किया जाएगा। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है आपको ना, पुरंदर, जितेंद्र ठीक है, ये सब इंद्र के लिए है उसी तरह से ये, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस वजह से मैं ऐसी चीजें बता रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि काफी बार सीधा पड़ा जाता है कि पुरंदर किसके लिए यूज में लिया गया है, डेस्ट्रॉयर फॉर जितेंद्र किसके लिए यूज में लिया गया है, थंडर जो है वो किसके लिए यूज में लिया गया है, थंडर के देवता कौन थे, थंडर के गॉड कौन थे, तो सीधा आपको इंद्र जी बोल देना उस टाइम पे ठीक है, इंद्र थे। उसके अलावा अग्नि जो थे ना, हाँ तो आपको ध्यान रखना इसका कभी प्रेसिडेंट ऑर्डर भी आया, सबसे पहले आपके इंद्र हो गए, और वरुणा से ऊपर आपके अग्नि आया करते थे ना, वरुणा से ऊपर अग्नि आया करते थे, और पर्सोनिफिकेशन किया हुआ था मतलब हर चीज का इन्होंने यार एक तरीके से हो गया ठीक है। कुछ है ना, हाँ कुछ डेटीज भी थी है ना। ओके कुछ मेल डेटीज हुआ करती थी है ना, और कुछ फीमेल डेटीज हुआ करती थी। जो मेल डेटीज थे उनमें यम थे, यम को लॉर्ड ऑफ डेथ बोलते हैं, रुद्र को आपको बता ही दिया आइडेंटिफाइड एज प्रोटो शिवा होते हैं, तो रुद्र में अंतर रखना आपको, इंद्र में और रुद्र में। रुद्र क्या है, रुद्र मैंने बताया था आपको प्रजापति है, एक आपके विष्णु है, एक रुद्र है, रुद्र को बताया गया है डेस्ट्रॉयर, और विष्णु को बताया गया है प्रजर्वर या प्रोटेक्टर, प्रजापति को बताया गया है क्रिएटर ठीक है। और उसके अलावा आपके जो रुद्र है वो तो आपको मैंने बताई दिया, ये आइडेंटिफाई करते हैं प्रोटो शिवा को, कुशाण करके थे एक ना, गॉड ऑफ जंगल बोलते थे इनको, प्रोटेक्टर मल्टीप्लायर ऑफ द कैटल, कुशाण, PUSHAN। सूर्य जो थे वो डार्कनेस को हटाने वाले थे, और आपको पता है अश्विनी मैंने बताया पहले भी है ना, अश्विन से जो थे ना फिजिशियन गॉड थे, रेस्पॉन्सिबल फॉर हीलिंग ऑफ द सिक एंड बाउंडेड लोगों के लिए अश्विन थे ठीक है। तो इसको आपको इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा याद रखना है आपको ना। और जो मारुत थे ना, मारुत ये सन ऑफ रुद्रा थे ठीक है, उनको पर्सोनिफाइड किया गया स्टॉर्म्स के तौर पर। उस बाद में फिर सम डेटीज, कुछ फीमेल डेटीज भी है ठीक है, लाइक सावित्री है ठीक है, सावित्री कौन है, 16 डेटी है ये ठीक है, इनके लिए फेमस गायत्री मंत्र बनाया गया है ठीक है। और जो थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेदा के अंदर गायत्री मंत्र है उसको जो इसको डेडिकेटेड किया गया है वो है सावित्री, जो कि है 16 डेटी, तो सावित्री को याद रखना है आपको। अदिति है, एक अदिति क्या है, गॉडेस ऑफ एटर्निटी है ये लोग, ये जो है
जो मदर ऑफ द गॉड्स है इटर्निटी, ठीक है, और ये इन्वॉक करती है बेस्टो, है ना, बेस्टोड करती है, इन्वॉक टू बेस्टो फ्रीडम फ्रॉम द इविल हार्म एंड सिकनेस। पृथ्वी को गॉडेस ऑफ अर्थ है, उषा जो है गॉडेस ऑफ डॉन है, ठीक है, उषा से तो पता भी आपको तो चलता है, हिंदी वर्ड ही है उषा, तो उसमें भौर होती है जो, तो गॉडेस ऑफ डॉन है ना, तो ये होता है ये। और ये ध्यान रखना, इनका 300 बार मेंशन किया गया है ऋग्वेदा की हाइम्स के अंदर, किसका, उषा का। एक अप्सरा है, मिस्ट्रेस ऑफ गॉड्स है, और एक है अरण्यानी, अरण्यानी मतलब गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट, अरण्य आपका फॉरेस्ट ही होता है ना, तो इसको ध्यान रखना है। अब देखो कुछ कुछ कीवर्ड्स है ना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं फिर बता रहा हूँ, कुछ कुछ कीवर्ड्स है और उसका शॉर्ट क्या है वो बता रखा है। लाइक गोत्र वर्ड जो है, गोत्रा कीवर्ड की कंसेप्ट, गोत्रा कहाँ लिखा हुआ है, तो अथर्ववेदा में लिखा हुआ है गोत्रा के बारे में, तो गोत्रा जो है अथर्ववेदा में लिखा हुआ है। और एक आपका जो पुरुष सूक्ता था ना, मैंने बताया था पुरुष सूक्ता जो था फॉर डिवीजन ऑफ द सोसाइटी, पुरुष सूक्ता जो था वो ऋग्वेदा में लिखा हुआ है 10th मंडल के अंदर, ठीक है। आश्रम जो सिस्टम है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये जबाला उपनिषद के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। और एक होता है समसारा, समसारा जिसे बोलते हैं ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सॉल, समसारा ऐसे है मैसे, अरे ये कहाँ पे लिखा गया है, ये लिखा गया है आपका बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर, बृहदारण्यक उपनिषद है उसके अंदर, ठीक है, ये काफी बड़ा आ जाते हैं सीधे। सत्यमेव जयते काफी फेमस है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ भी रखा है, मुंडकिया उपनिषद के अंदर, मुंडक उपनिषद जो है उसके अंदर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। डॉक्ट्रिन ऑफ त्रिमूर्ति जो लिखा हुआ है, मित्रयानी उपनिषद के अंदर लिखा हुआ है, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स ऋग्वेदा के 10th मंडल में लिखा हुआ है, और डील्स विद द डायलॉग बिटवीन द नचिकेता एंड यमा, ये आपका कठोपनिषद के अंदर लिखा हुआ है, कठोपनिषद आ जाता है, इंपॉर्टेंट है इस वजह से याद रखना है। सभा समिति और के बारे में लिखा हुआ है अथर्ववेद के अंदर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक ये सारा आपका वेदा वेदा होगा, क्योंकि ये पढ़ना जरूरी था, क्योंकि यहाँ से चीजें आ जाती हैं काफी हद तक, वेद वगैरह से कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस वजह से इन चीजों को हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम मूव ऑन करेंगे महाजनपद के ऊपर, ठीक है, अब हम महाजनपद देखेंगे, मगध वगैरह सब चालू हो जाएगा, तो मतलब हम कहीं ना कहीं पे खत्म कर चुके हैं एक तरीके से ये सब चीजों को, जो पीछे वाली चीजें हैं। अब हम महाजनपद से स्टार्ट हो जाएंगे 6th सेंचुरी BC से, और महाजनपद में जितने भी महाजनपद रहे हैं उनको देखते हुए, लाइक जितनी भी डायनेस्टीज रही हैं, उसके बाद में उसमें मूव ऑन करते हुए फिर हम गुप्ता गुप्ता पे आ जाएंगे, फिर पुष्यभूति वगैरह पे आ जाएंगे, डायनेस्टी वगैरह पे, और फिर हमारी एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी लगभग। तो अभी हम जनपद पे आ चुके हैं काफी तेजी से, ठीक है, अब इतना टाइम तो लगता ही है यार, ठीक है। अब जैसे जैसे जनपद की जब बात की जाएगी तो महाजनपद की बात चली गई, तो महाजनपद क्या है, बहुत सारे जनपद मिल जाएंगे, महाजनपद बन जाएगा। पहले क्या होते थे, मतलब कैसे क्रिएशन होगा, देखो जनपद होगा, पहले ट्राइबल सेटलमेंट होते थे, वो ट्राइबल किंगडम में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर ये ट्राइबल जो किंगडम है वो जनपदा में कन्वर्ट हो जाएंगे, जनपदा से महाजनपदा निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से महाजनपदा देखेगा, यहाँ पे थोड़ी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होने लगेगी, ठीक है। और ये जनरली आप किसके लिए काम करेंगे, अपने टेरिटरी के एक्सपेंशन के लिए काम करने लगेंगे ये लोग थोड़े, ठीक है। और ये परमानेंट सेटलमेंट होने को जैसे जनपदा के अंदर के रूप में उभर के आएंगे, और बहुत ही लार्ज टेरिटरी जो होगी उसको जनपद बोलेंगे। उस टाइम के कुछ जनपद है जो मैं बता देता हूँ आपको, लाइक 16 जनपदाज हुआ करते थे, ठीक है, 16 जो जनपद होते थे, लाइक काफी सारे जो है, कंबोज, गंधारा, कुरु, ठीक है, मत्स्य, अवंती, चैत्य, वत्सा, काशी, मगधा, अंगा, ब्रजी, मल्ला, कोशाला, ठीक है, पंचाला, अस्का, जिसमें मगधा तो बहुत ही फेमस था, मगधा को हम पढ़ेंगे भी अभी, ये सारे बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके महाजनपद जनपद हो जाएंगे, ठीक है। अब जनपद के रीजन क्या रहा, जनपद क्यों उभर के आए, अब ठीक है, अब आपका वैदिक एज खत्म हो चुका है, हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम जनपद के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। तो जनपद कहाँ कहाँ से निकल के आएंगे इसको देखेंगे हम थोड़ा सा, है ना। तो क्या हुआ था, देखो गैंगेटिक रीजन था, काफी फर्टाइल एलिवल सॉइल हुआ करती थी, काफी अच्छी रेनफॉल वहां पे होती थी, तो लोग उस जगह को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, काफी प्रोमिनेंस में फाइट वाइट चलती रहेगी, ठीक है। और ये जनपद मतलब कलेक्ट होकर पद जो है वो जनपद में कन्वर्ट होने लगेंगे बड़े बड़े से, ठीक है। तो ये सब चलता रहेगा, बस हम फालतू की बातें ना करते हुए काम की बातें करते हैं, ठीक है। काम की बात क्या है, जनपद को देखते हैं हम, जनपद कौन कौन से हैं, तो जो हम पढ़ने वाले हैं जनपद तो बाद में देखेंगे, पहले हम मगध जनपद को पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो जो मगधन जो डायनेस्टी रही है उसमें कौन कौन सी डायनेस्टी रही है, जो आपके जनपद है उसमें हम काफी बड़ा जो है उसको देखने जा रहे हैं, मगधन जो डायनेस्टी थी उसको देखते हैं। तो आपका इसमें जो है हरिण्यक डायनेस्टी रही है, इसका क्रोनोलॉजी मतलब क्रोनोलॉजी के साथ ही मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल एकदम फॉलोइंग ऑर्डर में, सबसे पहले हरिण्यक डायनेस्टी आएगी, फिर शिशुनाग डायनेस्टी आएगी, फिर नंदा डायनेस्टी आएगी, फिर मौर्य डायनेस्टी आएगी, फिर शुंगा डायनेस्टी आएगी, फिर कान्वा डायनेस्टी आएगी, ये मगध डायनेस्टी हो जाएंगी सारी की सारी, ठीक है। तो आपकी जो सबसे पहले हरण्यक डायनेस्टी होगी ना, उसके फाउंडर होंगे बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, फिर उदयन, ठीक है। तो ये उदयन के ऊपर आके आपकी ये वाली डायनेस्टी खत्म हो जाएगी, ठीक है, बिंबिसार से स्टार्ट होगी, इसको देखेंगे हम पूरा का पूरा भी। ऐसे ही फिर आपकी है ना शिशुनाग डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगी, फिर उसके भी देखेंगे कौन थे फाउंडर वगैरह सारा। फिर नंदा डायनेस्टी के बारे में तो आपको काफी हद तक पता है ही, मौर्य डायनेस्टी का भी पता है आपको, फिर
डायनेस्टी, कानो डायनेस्टी। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम डायनेस्टी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले बिंबिसार आते हैं 544 BC में, ठीक है। 544 BC के अंदर ये आते हैं और 492 से 492 तक ये रहते हैं, लगभग 52 साल तक। और ये फाउंडर थे एक्चुअली में मगध एम्पायर है, किसी को भी बोलता आप एकदम से मगधा डायनेस्टीज का तो पूरा चलेगी ना, क्रोनोलॉजी के फाउंडर ही मान लो उसको, ठीक है। तो बोल सकते हैं बिंबिसार ने क्या किया था, मगधा को क्या बनाया था, मतलब इसका एक कैपिटल बनाया था इन्होंने, राजगृह है ना, इसी को बोलते हैं गृहवर्जा, गृहवर्जा भी बोलते हैं, राजगृह बोलते हैं, ठीक है। चार इसे राजगृह क्यों बोलते हैं एक्चुअली में, ये चारों तरफ से चार पहाड़ी, पांच पहाड़ियों से घिरा हुआ था, ठीक है। तो घिरा हुआ था, गृह हो गया एक तरीके से, है ना। तो गृह हुई जगह एकदम प्रोटेक्टेड, तो इसे बोलते हैं गृह, ठीक है। और अभी बुद्धा और महावीरा वाला टाइम भी स्टार्ट हो जाएगा, तो जो आपके बिंबिसार है ना उसके कंटेम्प्रेरी है बुद्धा और महावीरा के, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, जो कॉन्क्वेस्ट के तरीके हुआ करेंगे और अपने आपको एक्सटेंड करने के और अपने आपकी सीमा को बढ़ाने के जो इनके तरीके होंगे ना, वो कौन कौन से होंगे, लाइक मैट्रिमोनियल अलायंस वगैरह करेंगे, कभी फ्रेंडशिप वगैरह करेंगे, कुछ चीजों को जीतेंगे भी, है ना। तो इस तरह से करेंगे, है ना। और इनके पास जो मतलब कि एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, दो टाइप के इनोवेटिव मिलिट्री वेपन्स हुआ करते थे इनके पास, कौन कौन से, एक तो क्या होता था इनके पास, एक को बोलते थे महाशिला कंटका, महाशिला कंटका मतलब वार इंजन, मतलब इसके अंदर क्या करते थे लोग, पत्थर फेंका करते थे बड़े बड़े, तो इसे बोलते हैं महाशिला कंटका। तो कभी महाशिला कंटका करके वर्ड आ जाता है तो याद रखना है वार के जो वेपन्स है ना और इनोवेटिव मिलिट्री मेथड्स वार वगैरह वही के अंदर आ रहा है महाशिला कंटका। शिला मतलब पत्थर होता है, कंटका मतलब वही है, महाशिला कंटका मतलब बड़े बड़े पत्थर फेंकना और वार करना उसके थ्रू, है ना। और दूसरा होता था इनका रथ मूसला, ठीक है। रथ मूसला का मतलब क्या होता था, रथ मूसला मतलब वही चैरिट वगैरह जो होते हैं आपके, और इसके थ्रू ये जो फाइटिंग वगैरह किया करते थे। तो इस तरह से दो इनके इनोवेटिव मिलिट्री वेपन्स हुआ करते थे, तो महाशिला कंटका और दूसरा होता था रथ मूसला, ठीक है, मुशाला सॉरी, रथ मुशाला, ठीक है। ये हुआ करते थे। बिंबिसार की बात कर लेते हैं, बिंबिसार ने स्टार्ट किया हरनेक डायनेस्टी को, इन्होंने 52 साल तक रूल किया है। इनका रूल स्टार्ट होता है 544 से और 492 तक चलता है, 492 तक। और ये काफी इन्होंने राजगृह को कैपिटल बनाया था। कोई पूछता है कि भाई राजगृह को कैपिटल किसने बनाया, तो आपको बता देना बिंबिसार ने बनाया तुरंत एकदम तेजी से, ठीक है। और बिंबिसार के अंदर एक रॉयल फिजिशियन भी हुआ करते थे, उनको जीवक बोलते थे। जीवक करके कभी कोई फिजिशियन कहाँ पे थे या पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना बिंबिसार। कोई ऐसे पूछ ले कि यार तो ऐसे कौन से हरनेक डायनेस्टी के रूलर थे जो कि बुद्ध और महावीर के कंटेम्पररीज रहे हैं काफी हद तक, तो वो थे बिंबिसार, ओके। तो इस तरह से बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। फिर आपके आते हैं अजातशत्रु, तो अजातशत्रु आपके 492 BC में आते हैं और 460 BC तक रहते हैं, लगभग 32 साल, ठीक है। और ये बिंबिसार के पुत्र थे और इनको बोला जाता है इन्होंने अपने फादर को किल किया था, जिसे पैट्रिसाइड बोलते हैं, और थ्रोन को सीज किया था इस अजातशत्रु ने, है ना। और ये काफी ज्यादा अग्रेसिव और पावरफुल थे, और इन्होंने मतलब इन्होंने अपने फादर की एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी को बाद में बढ़ाते रहे और कॉन्क्वेस्ट करते रहे, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। इनके टाइम पे बुद्धा डाइड हुए थे, ठीक है। तो बुद्धा की डेथ कौन सा, जब बुद्धा की जब डेथ हुई तब कौन रूलर थे यदि कभी पूछ लिया जाए, तो अजातशत्रु थे। आई थिंक जितना मुझे याद पा रहा है, आ पा रहा है, अजातशत्रु ने बुलाया भी था बुद्धा को काफी, ठीक है। और इन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अरेंज करवाई थी, है ना, इसको भी याद रखना अजातशत्रु ने। उसके बाद इनके जो फाइनल होंगे वो उदयन उदयन होंगे, है ना, जैसे उदयन बत्रा भी बोलते हैं, उदयन ही बोलते हैं। ये रहेंगे 460 से लेके 444 BC, तो 16 साल के लिए ही रहेंगे ये। तो इन्होंने ना कैपिटल को शिफ्ट किया, नया कैपिटल फाउंड किया पाटलिपुत्र, तो इन्होंने पाटलिपुत्र नया कैपिटल बना दिया, जो कि कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा और सोन रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे जो पाटलिपुत्र है उसको इन्होंने क्या बना दिया है, नया कैपिटल बना दिया। तो कोई बोले कि भाई नया कैपिटल जो किसने बनाया, तो आपके उदयन ने बनाया है, ठीक है। हरनेक डायनेस्टी जो है उसमें उदयन ने बनाया, याद रखना आपको ना। ओके okay. फिर उसके बाद क्या होगा, ये अपना एक अमात्य बनाएंगे, शिशुनाग को, शिशुनाग को अपना अमात्य बनाएंगे। तो यही होता है ना एक्चुअली में, यहाँ पे क्या फ्यूडेटरी सिस्टम चलता था बाद में, तो लाइक गुप्ता वगैरह तो कुषाण के फ्यूडेटरी वगैरह है, यदि आप बाद में जाके देखोगे तो होता क्या था, जैसे कोई भी रूल आता था वो रूलर जब भी कमजोर होता था उसके जो भी स्ट्रॉन्ग फ्यूडेटरी हुआ करता था उसका, जो सामंत उनके जो स्ट्रॉन्ग होते थे फ्यूडेटरी जो होते थे वो आके एक्चुअली में क्या करते थे, उस पावर को कैप्चर कर लेते थे। लाइक गुप्ता वगैरह आगे जितने भी आप पावर कैप्चरिंग देखोगे वैसे ही होगी, लेकिन यहाँ पे कैसे हुई है पावर कैप्चरिंग, शिशुनाग को इन्होंने अमात्य बना दिया है, अमात्य ही अपने आप अब ये पावर कैप्चर कर लेंगे शिशुनाग जो है, ठीक है। और अब देखना फिर शिशुनाग जब आएंगे, ठीक है, और शिशुनाग के पुत्र होंगे काल अशोक, ठीक है। तो शिशुनाग डायनेस्टी आ चुकी है और इसमें दो लोग हैं, शिशुनाग है काल अशोक है। शिशुनाग जो होंगे ना आप कैपिटल को फिर बदल देंगे वैशाली के आसपास, वैशाली भेज देंगे कैपिटल को। तो आपके बिंबिसार ने कैपिटल कहाँ बना दी, बिंबिसार ने आपकी बना दी राजगृह। फिर आपके उदयन आ गए, उदयन ने आपको ले जाके रख दिया पाटलिपुत्र में। अब इनके जो अमात्य हैं शिशुनाग, शिशुनाग इसको लेके कहाँ चले जाएंगे, वैशाली के अंदर, ठीक है। और शिशुनाग की जो ग्रेटर अचीवमेंट बताई जाती है ना वो ये थी, यहाँ पे एक प्रद्योत्ता है ना, प्रद्योत्ता करके डायनेस्टी हुआ करती थी अवंती के अंदर, उनको इन्होंने हराया था और उसको अवंती को पार्ट बनाया था मगध का। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है कि
भाई ये जो देवोत्तर डायनेस्टी ऑफ अवंती थी उसको हरा के अवंती को इसका पार्ट बनाने का काम किसने किया था? शिशुनाग ने किया था, ठीक है। और इसके सन और सक्सेसर कौन थे? कालाशोक थी। कालाशोक के टाइम पे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है वैशाली के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अजातशत्रु के टाइम पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम पे हुई है? हुई है कालाशोक के टाइम पे, ठीक है। और कालाशोक को क्या बोला जाता है? इनको काका वर्णा भी बोला जाता है, ककर वर्णा है ना, ककर वर्णा, अकॉर्डिंग टू पुराण से इनको ककर वर्णा बोला जाता है, ककर वर्णा। अब एक कालाशोक के बाद में आपकी नंदा डायनेस्टी आ जाएगी, है ना। अब नंदा जी आ जाएंगे, जो नंदा डायनेस्टी के फाउंडर होंगे वो कौन होंगे? महापद्म नंदा। तो महापद्म नंदा होंगे, ठीक है। और बताया जाता है कि जो महापद्म नंदा थे ना, वो लोअर कास्ट से आया करते थे, वो क्षत्रिय नहीं थे, है ना, नॉन क्षत्रिय थे ये लोग ना, तो ऐसे बताते हैं इनके बारे में। और इन्होंने अपने आपको एक टाइटल दिया था, इकरात, इकरात वाला। कभी बोले कि पहला ऐसा कौन सा एम्पायर ऑफ इंडिया जिन्होंने इकरात का टाइटल अपने आपको दिया, है ना। तो इकारात का टाइटल अपने आपको देने वाले जो थे सबसे पहले महापद्म नंदा ही थे, ठीक है। फिर महापद्म नंदा के बाद दयानंद आते हैं, आपको पता है ना। तो इनको है ना उग्रसेन भी बोला जाता है ना, सॉरी उग्रसेन भी बोलते हैं इनको पाली टेक्स्ट के अंदर, काफी बड़ी इनकी आर्मी थी इस वजह से। किसको? महापद्म नंदा को। अब दयानंद की बात आ जाती है, ठीक है। तो बताता है कि दयानंद के टाइम पे अलेक्जेंडर ने, है ना, आपके जो सिकंदर थे, अलेक्जेंडर ने पंजाब के रास्ते अटैक किया था, और है ना ऐसा कुछ किया था, फिर मगधा की तरफ एडवांस करना चाहा था लेकिन फिर किया नहीं था, है ना। और वो काफी एरोगेंट बताए जाते हैं धनानंद को, काफी एरोगेंट बताते हैं, काफी ज्यादा टैक्सेस वगैरह इम्पोज करते थे लोगों पर, ऐसा भी बताया जाता है। और लोगों के बीच में बहुत अनपॉपुलर थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में इनको क्या किया था, कौटिल्य की गाइडेंस के अंदर, ठीक है, और पब्लिक रिजेंटमेंट का एडवांटेज उठाते हुए अपरूटेड कर दिया था नंदा डायनेस्टी को, और मौर्यन एम्पायर का फॉर्मेशन कर दिया था इन्होंने। तो ये हो जाता है इस तरीके से, धनानंद को भी जो है कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य हटा के और मौर्यन डायनेस्टी लेके आ जाता है मगधा के अंदर। तो हमारी तीन डायनेस्टी अब तक हमने पढ़ ली है, हिरण्यक डायनेस्टी पढ़ ली, शिशुनाग डायनेस्टी पढ़ ली, नंदा डायनेस्टी पढ़ ली, और राइट नाउ हम मौर्यन डायनेस्टी पढ़ेंगे। लेकिन मौर्यन डायनेस्टी को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जो ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ से अटैक हुआ है ना हमारे ऊपर, अभी पहले जो पर्शियन ने और मैकडोनियन जो है, मैकडोनियन उन्होंने इन्वेजन किया है, पर्शियन ने और मैकडोनियन ने इन्वेजन किया है, तो उसको देखते हैं पहले। तो जो महाजनपद थे ना नॉर्थ ईस्ट के अंदर, महाजनपद तो यहाँ भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी है, कंबोजा है, गंदारा है, ये कंटिन्यूअसली आपस में फाइट करते रहते थे, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं थे लाइक किंगडम, लाइक मगधा जैसे पावरफुल किंगडम नहीं थे ये लोग, कंबोज और गांधारा थे, आपस में लड़ते रहते काफी ज्यादा, और इनमें पॉलिटिकल डिस यूनिटी थी काफी हद तक, जो ये इस टाइम नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट की ईस्ट की तरफ के जो एक्चुअली में जो थे आपके महाजनपद, उसमें पॉलिटिकल डिस यूनिटी थी। तो एक क्या होगा, पर्शियन, पर्शियन मतलब ध्यान रखना ईरानियन होता है ना, पर्शियन जो 6th सेंचुरी BC के आसपास पर्शियन अटैक होता है यहाँ पे, है ना, नॉर्थ वेस्ट के अंदर पर्शियन है जो इन्वेड करते हैं, और इसको बोलते हैं अकेमेनिड किंग, है ना, काफी काफी फेमस है ये वर्ड तो, है ना, अकेमेनिड जो एम्पायर है ना, वो करते हैं, जो इसके किंग जो होते हैं वो साइरस होते हैं, ठीक है। और साइरस जो होते हैं 558 के आसपास, 529 तक इनका शासन रहता है, और ये मतलब कि इन्वेड करने वाले पहले सब कॉन्टिनेंट के अंदर इन्वेड करने वाले रूलर बनते हैं ये। और पर्शियन एक किंग थे दारियस, दारियस जो भी इनका नाम, जैसे भी इसको प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, DARIOUS, है ना। तो इन्होंने भी फिर बाद में अनेक्स किया था पंजाब को, और बाद में फिर मैकडोनियन एम्पायर आता है ना, ग्रीक, जैसे ग्रीक मैकडोनियन एम्पायर ऑफ ग्रीक, तो ग्रीक का मैकडोनियन एम्पायर आता है। तो पहले इन्विजन पर्शियन ने किया है, फिर ग्रीक ने किया है, मतलब फिर अलेक्जेंडर ने किया है, तो बाद में अलेक्जेंडर ने किया है इन्विजन, है ना, इसको ध्यान रखना है आपको। तो अराउंड 330 BC के आसपास अलेक्जेंडर इन्विजन करते हैं नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब सब कॉन्टिनेंट के अंदर पर्शियन को हरा के, पहले पर्शियन को हराते हैं, फिर इन्विजन करते हैं, फिर यहाँ पे भी हराएंगे लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे अंदर जाके भी ना अलेक्जेंडर का जब इन्विजन होगा, तो जब ये ग्रीस से आएंगे तो यहाँ पे भी ये हराएंगे ना किंग को, और ये पोरस का युद्ध फाइट करेंगे, है ना, जो वहीं पे पोरस के आसपास हिडेस्पस का रिवर पे, झेलम रिवर के किनारे हिडेस्पस का वॉर होगा, बैटल ऑफ हिडेस्पस, काफी फेमस है ना, जिसमें सब सारे किंग इनको सबमिट हो जाएगी, सब इनके सामने अपने आप को हार मान लेंगे अपनी तरीके से, ठीक है। लेकिन फिर बाद में आगे फाइट करने से मना कर देंगे, आगे जाने से मना कर देंगे, क्योंकि जो उनके सैनिक वगैरह थे वो थक गए थे वगैरह वगैरह। तो हमको तो इतना ध्यान रखना कि मैकडोनियन जो एम्पायर है ना, जो ग्रीक एम्पायर है, वो आया था उससे पहले पर्शियन एम्पायर आ चुका था, इस चीज का हमको याद रखना है ना, इस चीज, और इससे ज्यादा हमको ज्यादा मतलब नहीं इन सब चीजों से, ठीक है। और देखो कभी ऐसे बोला जाए कि जब उससे पहले पर्शियन आए थे तो उनका कुछ इम्पैक्ट हुआ था क्या इंडिया के ऊपर? हाँ, तो नो डाउट इंडो पर्शियन जो ट्रेड और कॉमर्स स्टार्ट हुआ था, जो पर्शियन लोग आए थे तो पहली बार ये लोग वहां से आए थे, खरुष्टी स्क्रिप्ट होती है एक, है ना, और खरुष्टी की जो स्क्रिप्ट होती है, ठीक है, वो ड्राइव की गई है अरेमिक स्क्रिप्ट से, ठीक है। और अरेमिक स्क्रिप्ट जो थी वो ऑफिशियल स्क्रिप्ट हुआ करती थी पर्शिया की, जो कि राइट टू लेफ्ट में लिखी जाती थी, ठीक है। काफी सारे अशोक की जो इंस्क्रिप्शन है ना, वो आपको इस लैंग्वेज में मिल जाएंगे, इस स्क्रिप्ट में मिल जाएंगे, सॉरी खरुष्टी स्क्रिप्ट के अंदर, जो कि अरेमिक से डिराइव है, और अरेमिक जो है ऑफिशियल स्क्रिप्ट है किसकी? पर्शियन की,
खरुष्ट स्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे इंस्क्रिप्शन आपको अशोक के मिल जाएंगे, लाइक रॉक इंस्क्रिप्शन है एक अशोक का 3rd सेंचुरी BC का, ठीक है, वो काफी हद तक पर्शियन किंग जो DARIUS है उससे इंस्पायर्ड है, ठीक है। उसके अलावा जो है इनके बेल शेप वाले कैपिटल वाले काफी सारे मतलब कि मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं इसके टाइम के, अशोक के टाइम के। उसके अलावा है ना बहुत सारा उसके ऊपर ईरानियन इन्फ्लुएंस है या पर्शियन इन्फ्लुएंस हम बोल सकते हैं ऐसे। तो 200 साल तक जो है इंडियो पर्शियन जो कॉन्टेक्ट रहा था है ना, उसने काफी इन्फ्लुएंस क्रिएट किया था पॉलिटिक्स के ऊपर भी और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर भी, तो इसको आपको याद रखना है थोड़ा, ठीक है। तो ये अलेक्जेंडर हो गया, थोड़ा सा पर्शियन इन्वेजन हो गया, पीछे से जो लोग आ रहे हैं इसके बारे में हमने थोड़ी सी बात कर ली। अब हम क्या करेंगे, बात स्टार्ट, अब हम बात करेंगे दोबारा महाजनपद के ऊपर, हम आ जाएंगे हमारे, ठीक है। अब महाजनपद का जो फेज आ रहा है ना उसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे NBPW के बारे में, जो मैं बता रहा हूँ नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर जो पेंटिंग है ना वो काफी फेमस है ना। मैं बता रहा था कि इसके बारे में बताऊंगा क्यों फेमस है ये थोड़ी सी, और ये थोड़ा सा एक डिसरप्टिव पेंटिंग के तौर पे ली जाती है, ठीक है। हालांकि इस टाइम पे है ना NBPW फेज, इसी वजह से इसको ना मतलब NBPW की फेज की स्टार्टिंग बताया जाता है 7th सेंचुरी BC के आसपास को, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर पेंटिंग जो थी वो, ठीक है। और इसी के टाइम पे सेकंड अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ था। सेकंड अर्बनाइजेशन क्यों बोला गया है इसको, क्योंकि फर्स्ट अर्बनाइजेशन तो हड़प्पा के टाइम पे हुआ ही था आपका, ठीक है। और इसके अलावा सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन होगा उस टाइम पे विलेज सेटलमेंट्स वगैरह का, टाउन्स का, पॉपुलेशन का ना गंगा वैली के आसपास। तो आपका जो NBPW फेज है मतलब नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर जो पेंटिंग है ये थोड़ी सी है ना, इसमें क्या था अर्बन सेंटर्स के कैरेक्टर्स थे इसके अंदर, ठीक है। और ये गंगेटिक प्लेन के अंदर काफी फ्लरिश होती, और उसके अंदर क्या हुआ था हाई टेम्परेचर फायरिंग को यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो जैसे स्मेल्टिंग ऑफ आयरन के अंदर हाई टेम्परेचर को यूज में लिया जाता है, तो वहीं से जो हेमेटाइट सॉइल निकल के आती है ना उसी के थ्रू इस टाइप की पेंटिंग का क्रिएशन होता है। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर जो पेंटिंग है ना ये काफी हद तक हाई टेम्परेचर फायरिंग, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन वगैरह इन सब चीजों से कहने का इस पर कनेक्ट है ये चीज है ना, इस वजह से इसको थोड़ा सा अलग बताया जा रहा है ना। तो अभी ये लग्जरी प्रोडक्ट हुआ करते थे ऐसे बोलते हैं कुछ है ना, और इनके अंदर कुछ मतलब टेक्नोलॉजी काफी हद तक शिफ्ट हो गई थी। और बताते हैं बिहार उत्तर प्रदेश आता मेन रीजन ऑफ NBP वेयर साइट, तो मतलब नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर जो है साइट्स के अंदर बिहार और उत्तर प्रदेश काफी मेन रीजन है ना, मेन जगह है ये पूरी की पूरी। तो NBPW फेज ही बोलना है, तो आपको ये ध्यान रखना जब 6th सेंचुरी जब स्टार्ट हुई है तो उस टाइप के फेज को आपको NBPW फेज भी बोलना है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर पेंटिंग्स का फेज भी है, ठीक है। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, ठीक है, ओके। ये फेज चालू हो रहा है मतलब NBPW आपको याद रखना है, ठीक है। और इस टाइम पे लोग है ना मोर्टार वगैरह जिप्सम वगैरह से काफी हद तक जानकार हो चुके थे, ठीक है। और इस टाइम पे क्या होगा पंचमार्क कॉइंस वगैरह भी स्टार्ट होने लगेंगे। तो एक्चुअली में ये फेज है, इसको आप पॉटरी वॉटरी से कनेक्ट मत करो बहुत ज्यादा, यही पॉटरी वॉटरी बताने में क्यों बोल रहा हूँ, बट ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर जो ना ये तो फेज ही स्टार्ट हो गया, इसमें सब चीजें काफी एडवांस हो जाएंगी, और जितने भी आपके जो टूल्स आप यूज में ले रहे हो ना वो सभी चीजें काफी एडवांस हो जाएंगे उसके अंदर ही। आप है ना यहाँ पे पंचमार्क जो कॉइन्स है ना उनको भी लेके आया जाएगा, और पंचमार्क जो कॉइन्स होंगे उसके ऊपर पंचमार्क किया जाएगा, किस चीज का मार्क किया जाएगा, काफी जगह किसी कॉइन्स पे हिल होगी, किसी पे ट्री होगा, किसी पे बुल होगी, किसी पे फिश होगा, किसी पे क्रिसेंट होगा, किसी पे एलिफेंट होगा, इस तरीके के पंच मार्किंग की जाएगी, मार्किंग की जाएगी पंच करके उसको है ना। और ये सिल्वर के बने होंगे, कॉपर के बने होंगे, इस तरीके के कॉइन्स बने हुए होंगे, ठीक है। तो ये पंच मार्क कॉइन्स का कल्चर भी हम यहाँ से 6th सेंचुरी BC से NBPW फेज के आसपास से पॉलिश नॉर्दर्न पॉलिश जो जो ब्लैक वेयर है वहां से नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर यहाँ से चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। थोड़ा सा डिसरप्टिव है यहाँ पे क्योंकि स्मेल्टिंग वगैरह आयरन की हो रही है और चीजें थोड़ी सी एडवांस टाइप की चीजें बनने लगी, ठीक है। ये चीज को आपको थोड़ा याद रखना है। तो ये मैं पहले कंबाइंड वे में ले रहा हूँ पूरा महाजन के टाइम को, महाजन पद के अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है एक्चुअली में, जो आपका मॉडर्न है ना वो मॉडर्न वाला हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले में थोड़ा महाजन पद काल आया है, क्योंकि तो जब भी जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं उसके अंदर हमने सब चीजें देखी है कि भाई उस टाइम की इकोनॉमी कैसी थी, सोशल लाइफ कैसी थी, क्या क्या उस टाइम पे चल रहा था, उस टाइम का पूरा सिस्टम हमने देखा था, थोड़ा बहुत हम इनका भी देख लेते हैं ना महाजन पद वालों का भी, तो कंबाइंड वे में देख रहा हूँ इस चीज को। तो जो महाजनपद वाले लोग थे ना उनके ट्रेड रूट्स भी हुआ करते थे, लाइक एक्सटर्नल ट्रेड भी थे इंटरनल ट्रेड भी थे। एक्सटर्नल ट्रेड वे किस किस से करते थे, लाइक वेस्टर्न और ईस्टर्न ट्रेड हुआ करते थे इनके एक्सटर्नल। तो वेस्टर्न जो ट्रेड किया करते थे ये लोग वो करते थे तक्षशिला, अफगानिस्तान ईरान मेसोपोटामिया से तक्षशिला से होते हुए है ना, तक्षशिला अफगानिस्तान ईरान मेसोपोटामिया से वेस्टर्न ट्रेड था इनका, बंगाल और म्यांमार के साथ इनका ईस्टर्न ट्रेड था। और इंटरनल ट्रेड की बात की जाए तो एक तो दक्षिण पता था एक उत्तर पता था। दक्षिण पता से पता चल रहा है कि भाई पटलिपुत्र मगधा के जो लोग है थोड़ा वो नीचे गोदावरी तक जाके वेस्टर्न कोस्ट के आसपास थोड़ा क्या करते थे, वहां से भी ये लोग ट्रेड किया करते थे। और नॉर्दर्न के अंदर तो वही मतलब कि इंडो गैंगेटिक जो प्लेन्स है, उसके अलावा एक ध्यान रखना काफी बड़ा एक पोर्ट सिटी है, पोर्ट सिटी क्या है ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति जो है वो कहाँ पे बे ऑफ बंगाल पे है ये पोर्ट है ना, ताम्रलिप्ति पोर्ट सिटी थी एक ताम्रलिप्ति है ना ये बे ऑफ बंगाल पे थी, काफी इंपॉर्टेंट है इस वजह से आपको ध्यान रखना है। जो महाजनपद के लोग थे वो क्या क्या इम्पोर्ट किया करते थे, तो ये लोग इम्पोर्ट करते थे लाइक स्टोन्स,
है ना, काफी सारे प्रीशियस स्टोन्स को ये लोग इंपोर्ट करते थे, लाइक गोल्ड हो गया, लेपिस लाजुली हो गया, जेड हो गया, सिल्वर हो गया। तो लेपिस लाजुली, जेड, सिल्वर, इस तरीके की चीजों को इंपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट किस चीज का करते थे ये लोग, माजनपद वाले लोग, लाइक कुछ लाइक ना क्राफ्ट जो होते थे, कुछ क्राफ्ट के अंदर कौन कौन से होते हैं, आइवरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, पॉट्स हो सकते हैं, कुछ टेक्सटाइल गुड्स हो सकते हैं, सैंडलवुड, सैंडलवुड का भी एक्सपोर्ट करते थे ये लोग, जो पर्ल्स वगैरह का, मोतियों वगैरह का एक्सपोर्ट ये करते थे काफी हद तक ना। और जो मनी थी ना उसके लिए निष्का और सतमाना, सतमाना ये ध्यान रखना, ट्रेड वॉज फैसिलिटेटेड बाई यूज ऑफ मनी टर्म निष्का और सतमाना। तो सतमाना SETAMANA और निष्का ये कॉइन्स है, ये ट्रेड है, ये मनी है, ये पैसा है जिसके थ्रू ये सब चीजें की जाएंगी। तो निष्का और सतमाना आ जाता है तो ये पैसा है ना, इसको आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब थोड़ा सा इनका एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं उस टाइम पे। तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है ना कस्टम ऑफिसर्स हुआ करते थे उस टाइम पे ना, कि कस्टम ऑफिशियल जैसे आज भी होते हैं हमारे, इनको बोला था जाता था कमिकाज, KAMIKAS, कमिकास, कमिकास इनको बोला जाता था। कुछ टॉल ऑफिसर्स भी होता थे जो टॉल कलेक्ट कलेक्ट करते थे, मर्चेंट वगैरह से टॉल, मतलब जो इंटरनल ट्रेड में भी हो सकता है ना। तो कस्टम ऑफिशियल तो आपको कमिकाज होगा, जो टॉल कलेक्टर थे उनको बोलते थे आप शुल्क अध्यक्षा, ठीक है, ये सौलिकिका, सौलिकिका या शुल्क अध्यक्षा, इनको याद रखना है आपको। टॉल थे, टॉल कलेक्शन जो करते थे ना वो लोग थे, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ है ना स्पेशल रॉयल ऑफिसर्स हुआ करते थे जिनको राजभटाज बोला जाता था, राजभटाज, ठीक है, ये क्या होता था, प्रॉपर्टी और लाइफ की सेफ गार्डिंग के लिए राजभटाज हुआ करते थे ना। और मर्चेंट क्लास के अंदर सेठी होते थे, सेठी क्या करते थे, सेठी, सेठी आज भी होते हैं ना, तो हाई लेवल बिजनेस क्लास हुआ करती थी सेठी, और मनी लेंडिंग वगैरह ट्रेड वगैरह काम करते थे। और ऐसे ही VESAS, वैसास हुआ करते थे ये ना, मर्चेंट स्ट्रीट्स जो होती थी उसको बोलते थे कुछ वगैरह वगैरह। इस टाइम पे आर्टिशंस भी होते थे, क्राफ्टमैन भी होते थे। आर्टिशंस में क्या था, जनरली मतलब जो है ना हाइड्रेटरी हुआ करती थी, यार जो क्राफ्ट कल्चर होती थी ना पूरी, और जो बेटा बाप से सीखता था, पिताजी से सीखता था, और वो आगे लेके चलता था इसी को। और पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है ना, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी आपको पता ही है, इसके अंदर दो चीजों का वर्णन है, एक तो वेज मतलब वेतन, और वेज अर्नर्स मतलब वेतनिका। तो वेतन और वेतनिका का वर्णन कहाँ पे किया गया है, तो पाणिनि के अष्टाध्यायी के अंदर किया गया है, किसी को आपको ध्यान रखना है। उस टाइम का थोड़ा लीगल सिस्टम क्या था, इस चीज को हम देखना चाहेंगे, उस टाइम का लीगल सिस्टम क्या था, तो कुछ लीगल सिस्टम वगैरह था उस टाइम पे, तो आपको ध्यान रखना, वन सिस्टम जो था बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एंट्रेंच्ड हो चुका था, और सोशल मोबिलिटी डाउन हो चुकी थी, ठीक है। और जो लीगल सिस्टम हुआ करता था ना वो यही था, पार्शियलिटी हुआ करती थी टू आर द हायर वर्नाज, हाई वर्न के जो लोग होते इनको सजा वजा नहीं मिलती थी, पार्शियलिटी काफी ज्यादा थी। तो आपको ध्यान रखना, मगध टाइम की बात चल रही है ये, है ना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मगध के टाइम के अंदर, सॉरी मगधियन टाइम बोल दो या फिर महाजनपद वाला टाइम बोल दो, कुछ भी बोल दो सेम ही चीज है ना। तो कभी पूछा जा सकता है कि मगधियन एम्पायर के अंदर, या फिर स्पेसिफिकली पूछा जा सकता है कि महाजनपद जब थे उस टाइम के अंदर, जो आपका लो लीगल सिस्टम था ना बड़ा ही ट्रांसपेरेंट था, और बड़ा ही मतलब कि वो लॉप साइडेड नहीं था, मतलब कि एकदम जेनविन था वो, है ना। तो ऐसा नहीं था, ये काफी हद तक हायर वर्णाज को फेवर करता था, पार्शियलिटी थी बहुत हद तक, है ना। और जो हायर वर्णाज थे उनको पुअर माना, पुअर नहीं सर, प्योर माना जाता था सर, पुअर नहीं, प्योर माना जाता था उनको। और शूद्रांश के ऊपर सारी डिसेबिलिटीज को इम्पोज कर दिया जाता था, और क्राइम जो किया जाता था ना शूद्रांश के द्वारा अगेंस्ट ब्राह्मण्स, ठीक है, बहुत ही सिवियरली पनिश किया जाता था उनको, ठीक है। और यदि किसी ने क्राइम कर दिया शूद्रांश के खिलाफ तो उसकी पनिशमेंट बहुत लाइट हुआ करती थी। तो मतलब कुल मिला के पार्शियलिटी थी काफी हद तक, ठीक है। तो ओके, ये हमारा हो जाता है। तो ये तो हम महाजनपद की बात कर रहे हैं, ये तो महाजन के पद के बारे में चल रहा है। अब थोड़ा हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ भी देख लेते हैं, जहाँ पे पर्शियन मैक्डोनियन इन्वेजन हो रहा है, पर्शियन जो एम्पायर आ रहा है, फिर मैक्डोनियन एम्पायर आ जाएगा, फिर अलेक्जेंडर आएंगे, वो इन्वेजन करेंगे, वो किसी को बैठा के यहाँ पे चले जाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा खुद को देख लेते हैं, हालांकि देखने की जरूरत नहीं है, मेजर चीज तो हम देख लिया, बस यही देखना है हमको, जो अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है, फिर वो बाद में क्या करके जाते हैं यहाँ पे, वो बैठा के चले जाते हैं ना बाद में, किसको बैठा के जाते हैं कोई बताएगा, अलेक्जेंडर जो है वहाँ तो खुद तो चले जाते हैं, खुद की तरफ से एक लीडर बैठा जाते हैं, कौन होता है वो, ठीक है। तो वो मैकडोनियन थे, 326 BC के आसपास आए थे, पोरस सिवर के खिलाफ उन्होंने एडेस्पस का वॉर लड़ा था और सारे किंगों को हरा दिया था, लेकिन उन्होंने आगे कुछ नहीं की, क्यों नहीं की, क्योंकि सोल्जर्स ने बोला था वो अब थक चुके हैं, होम सिक हो चुके हैं, डिजीज हो चुकी है, तो इस वजह से, है ना। और थोड़ा बहुत कभी कभी बताते हैं कि वो पावरफुल मानते थे नंदा डायनेस्टी को, तो थोड़ा सा उनको फियर भी हो सकता है अलेक्जेंडर को कि भाई एडवांस करेंगे वहां पर, दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो फिर ये सेल्यूकस निकेटर जो है ना उसको बैठा के एज ए गवर्नर और चले जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इनका इम्पैक्ट तो होगा ही, हमारा उनसे ट्रेड भी होता रहेगा, उनकी कल्चर का भी इम्पैक्ट होगा, जो मैंने बता दिया है कि साफ साफ जो अशोक जो होते हैं उनके जो पिलर क्रिएट करवाते हैं उसमें पर्शियन का असर होता है, जो आपकी खरोष्टी होती है वो काफी हद तक आरेमिक जो होती है उससे इंस्पायर्ड होती है, उससे काफी काफी कनेक्टेड है, जो आरेमिक जो है जो कि आपके पर्शियन की जो ऑफिशियल कोड स्क्रिप्ट है उससे काफी हद तक वो लिंक है। तो ये सब चीज चलती रहेंगी। फिर NBT PW फेज के बारे में मैंने बता ही दिया,
उसी टाइम पे महाजन पद के टाइम पे ही एनबीपीडब्ल्यू सीज रहता है आपका, उसके बारे में हमने बात कर ही ली है ना। तो उसके बारे में हमारी बात हो ही गई थी एनबीपीडब्ल्यू सीज के बारे में। तब इसके बाद हम चलते हैं लीगल सिस्टम वगैरह सब चीजें हमने देख ली है काफी हद तक। अब हम चलते हैं फाइनली मौर्यन डायनेस्टी के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, अब मौर्यन डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं। मौर्यन डायनेस्टी जो है 321 बीसी से 185 बीसी तक रही थी। तो मैंने आपको हरनक डायनेस्टी बता दी, आपको मैंने शिशुनाग डायनेस्टी बता दी, ठीक है, फिर महापद नंदा मतलब नंदा डायनेस्टी बता दी। तो जब मैंने आपको बताई हरनक डायनेस्टी उसमें बता दिया बिम्बिसार आते हैं, बिम्बिसार के पुत्र अजातशत्रु आ जाते हैं, अजातशत्रु के बाद उद्यन आ जाते हैं, उद्यन उद्यन जो होता है कैपिटल को पाटलिपुत्र ले आते हैं, बिम्बिसार उसको राजगृह बनाते हैं। जो आपका है शिशुनाग जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो बाद में इसको फिर शिफ्ट करके कहाँ ले जाते हैं, वैशाली की तरफ ले जाते हैं। फिर उसके बाद शिशुनाग के बाद शिशुनाग में दूसरा कालाशोक आता है, कालाशोक आता है, इनका सेकंड काउंसिल होती है। उससे पहले जो आपके अजातशत्रु थे उसके टाइम पे फर्स्ट काउंसिल हो रही थी। फिर महापद मतलब पदमनंदा आ जाते हैं, महापद्मनंदा अपने आप को इकरात का टाइटल देते हैं। उसके बाद में महापद्मनंदा के बाद आपके नंदा डायनेस्टी में धनानंद आ जाते हैं। जो धनानंद होते हैं वो काफी एरोगेंट होते हैं, काफी टैक्स कलेक्शन करते हैं। फिर चालुक की सॉरी कौटिल के साथ मिलकर मतलब चंद्रगुप्त मौर्य उनको हटा देते हैं और मौर्यन डायनेस्टी को बना दिया जाता है, मौर्यन डायनेस्टी आ जाती है। ठीक है, अब आपके चंद्रगुप्त मौर्य आ चुके हैं, मौर्यन डायनेस्टी आ चुकी है, उन्होंने उनको हटा के अपने आप को एस्टेब्लिश कर दिया है। ठीक है, तो धनानंद ने काफी अग्नि ब्राह्मण के तौर पर उनको देखा था, चाणक्य को ऐसे ऐसे बताते हैं ना, तो वे चाणक्य ने भी वो मतलब चैलेंज ले लिया था, उसको एज ए चैलेंज के तौर पर स्वीकार कर लिया था ना, उसको हटा दिया था। अब ना जब हम देख रहे हैं तो हमको ऐसा तो है नहीं कि पूरा यहाँ पे अब वो पढ़ना है कि क्या क्या हुआ है ना, फिर हमको चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह सब कुछ देखना होगा, लेकिन अभी हमारा जो फोकस है ना वो इस चीज पे है कि मौर्यन डायनेस्टी के जो मेजर आर्कियोलॉजिकल शॉर्स है जिससे हमें पता चलता है कि मौर्य डायनेस्टी थी उसके बारे में देखते हैं। तो पहली बात तो ध्यान रखना है कि मौर्यन डायनेस्टी जब हुआ करती थी तो 5 लैंग्वेज थी और 3 स्क्रिप्ट थी उस टाइम पे प्रोमिनेंस में। तो जो 5 लैंग्वेज हैं वो कौन कौन सी थी मॉडर्न डायनेस्टी के टाइम पे? तो जो 5 लैंग्वेज थी आपकी, एक तो पाली थी, एक प्राकृतिक संस्कृत थी, एक ग्रीक थी, एक अरेमिक थी। तो कोई बोल दे यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई जब मगधन डायनेस्टी चल रही थी ना मॉडर्न डायनेस्टी, तो उस टाइम पे है ना केवल 3 लैंग्वेज हुआ करती थी, मेरे 3 लैंग्वेज उस टाइम पे थी। तो पाली भी थी, प्राकृत भी थी, संस्कृत भी थी, ग्रीक भी थी, अरेमिक भी थी। पहली बात आपको लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में अंतर पता होना चाहिए साथ साथ। स्क्रिप्ट जो है जैसे हमारी देवनागरी की स्क्रिप्ट है, ठीक है, और हिंदी हमारी लैंग्वेज है। अब जब हम संस्कृत को यदि बोल रहे हैं, यदि संस्कृत की भी स्क्रिप्ट तो वही देवनागरी है, ये सब इन सब वर्ड को तो हम यूज में लेते हैं। तो स्क्रिप्ट में और उसमें अंतर क्या होता है? स्क्रिप्ट एक बड़ी चीज है, लैंग्वेज एक छोटा डोमेन है। एक स्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारी लैंग्वेज हो सकती है। लाइक मैं बोलना चाहूँ तो मैं संस्कृत को भी वही देवनागरी स्क्रिप्ट को यूज में लेके लिख रहा हूँ, तो हिंदी को भी उसी को यूज में लेके लिख रहा हूँ मैं। तो स्क्रिप्ट होती है वो बड़ी चीज होती है, लैंग्वेज होती है वो छोटी चीज होती है। तो लैंग्वेज 5 थी उस टाइम पे, पाली, प्राकृत, संस्कृत, ग्रीक, अरेमिक, और स्क्रिप्ट जो थी ना वो 3 टाइप की थी। स्क्रिप्ट कौन कौन सी थी? एक तो मगधी स्क्रिप्ट होती थी, और मगधी को ही है ना अर्धमगधी भी बोलते थे। एक ब्राह्मी थी, एक खरुष्टी थी। खरुष्टी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि खरुष्टी का ओरिजिन तो कहीं ना कहीं पे पर्शियन से ही हुआ है काफी हद तक, तो उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, ओके, तो ये मैंने बता दिया 5 लैंग्वेज है, 3 क्या है आपकी, 3 आपकी है जो स्क्रिप्ट है। और कहाँ से कुछ इंस्क्रिप्शन मिलता है, कहाँ से पता चलता है कि शॉर्टेज क्या है, क्या आर्कियोलॉजिकल शॉर्ट मिले हैं हमको मगधन डायनेस्टी या फिर मॉडर्न डायनेस्टी के बारे में स्पेसिफिकली? तो एक जुनार का जो पिलर इंस्क्रिप्शन है ना आपका, जूनागढ़ का पिलर इंस्क्रिप्शन आपने काफी सुना होगा, एक है आपका रुमिन देई पिलर इंस्क्रिप्शन। तो 2 चीजें हैं, जूनागढ़ पिलर इंस्क्रिप्शन है, एक है रुमिन देई पिलर इंस्क्रिप्शन। तो जो जूनागढ़ पिलर इंस्क्रिप्शन है वो क्या है, जूनागढ़ गुजरात के अंदर है, आपकी गिरनार हिल्स के आसपास है ना, वहाँ पे रुद्ररमन जो फर्स्ट थे, जो शक रूलर थे रुद्ररमन फर्स्ट है ना, उन्होंने सुदर्शन लेक का ना कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ कुछ बताया है। बताया कि कंस्ट्रक्टेड जो कंस्ट्रक्ट की गई थी सुदर्शन लेक, वो मौर्य के द्वारा ही किए गए थे, मौर्यंस के द्वारा, और मौर्यंस ने वहाँ पे डैम वगैरह भी बनाए थे। तो जूनागढ़ पिलर इंस्क्रिप्शन से हमको मौर्यन डायनेस्टी के बारे में काफी हद तक कुछ चीजें मिलती हैं। ऐसे ही रुमिन देई पिलर इंस्क्रिप्शन जो है, इसमें बताते हैं कि अशोका ने जो विजिट किया था ना लुम्बिनी को, तो लुम्बिनी के अंदर उन्होंने टैक्स हटा दिया था ना, क्योंकि लुम्बिनी जो जगह थी वो बुद्ध से रिलेटेड थी, तो उन्होंने टैक्स हटा दिया था लुम्बिनी में जाके ना। तो इस वजह से इस चीज के बारे में कहीं ना कहीं रुमिन देई पिलर इंस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ होगा। और बताया जाता है कि दिस इज द फर्स्ट डायरेक्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ बुद्धा बर्थ इन लुम्बिनी। तो बुद्धा के बर्थ लुम्बिनी में हुआ, इस चीज का पहला जो कहीं ना कहीं पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है ना वो आपको रुमिन देई पिलर इंस्क्रिप्शन से ही मिलता है। ठीक है, तो उसके अलावा भी हम देख लेते हैं कुछ आर्कियोलॉजिकल और भी जो चीजें रही। तो एडिक्ट से बहुत सारे, लाइक आपने मास की एडिक्ट के बारे में सुना होगा, मास की एडिक्ट के अंदर जो अशोक का नाम है, जो अशोक मेंशनड है, अदरवाइज तो हर जगह उनको क्या बोलते हैं, देवानाम पिया या फिर पियादसी बोलते हैं, ठीक है, ज्यादातर एडिक्ट के अंदर। तो लेकिन मास की एडिक्ट है आपका एक है ना, उसके अंदर अशोक नाम रखा गया है, अशोक नाम लिखा हुआ है। और ये कहाँ मिला है? तुंगभद्रा रिवर के आसपास मिला है, कर्नाटक का रायचूर डिस्ट्रिक्ट में। कर्नाटक की जो रायचूर डिस्ट्रिक्ट है उसमें तुंगभद्रा रिवर के आसपास ये मास की इंस्क्रिप्शन आपका मिला है। ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे जो एडिक्ट करवाए थे, उनका एक पिलर एडिक्ट है, एडिक्ट नंबर 7।
तो जो पिलर एडिक्ट एडिक्ट नंबर 7 है उसमें इन्होंने किसकी बात की है, धम्मा को प्रमोट करने की बात की है विद इन हिज किंगडम। तो कभी बोलते थे कि अशोका ने धम्मा को प्रमोट करने की बात कौन से मतलब उनके पिलर एडिक्ट के अंदर की है, तो पिलर एडिक्ट नंबर 7 के अंदर उन्होंने धम्मा को प्रमोट करने की बात की है, किस चीज के अंदर, अपने किंगडम के अंदर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीधे, है ना, तो याद रखना है। ऐसे ही रॉक एडिक्ट है उनका एक, कौन से नंबर का, 13वें नंबर का रॉक एडिक्ट 13, उसके अंदर उन्होंने किसकी बात की, कलिंगा के वॉर के बारे में उन्होंने मेंशन किया है। ऐसे ही उनका एडिक्ट है अशोक का, ठीक है, तो ये सब चीजें उन्होंने लिखी है ना, तो बस यही है मेजर। तो आपको आपका एडिक्ट नंबर एक तो प्लेयर एडिक्ट आपको 7 याद रखना है, एडिक्ट 13 याद रखना है, और मास की एडिक्ट याद रखना है आपको। उसके अलावा आपको जूनागढ़ प्लेयर इंस्क्रिप्शन याद रखना है, रुमीन देवी प्लेयर इंस्क्रिप्शन याद रखना है, 3 स्क्रिप्ट थी मगधी ब्राह्मी खरुष्टी, और 5 लैंग्वेज थी पाली प्राकृत संस्कृत ग्रीक अरेबिक, ये सब आपको याद रखना है। अब हमने ये तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स देख लिए मॉडर्न डायनेस्टी के, अब थोड़ी लिटरेरी सोर्स देख लेते हैं हमें, तो क्या क्या लिखा गया ना लिटरेरी सोर्स, मतलब उस टाइम पे क्या क्या लिखा गया, लाइक कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कोई बोले कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आपको बताना है संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक है। और इस बुक के 3 पार्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जो बुक है उनके 3 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर उन्होंने किंग और काउंसिल के बारे में बता रखा है, सेकंड पार्ट के अंदर इन्होंने सिविल और क्रिमिनल लॉज के बारे में बता रखा है, थर्ड पार्ट के अंदर इन्होंने डिप्लोमेसी और वॉर के बारे में बता रखा है। उसी टाइम पे संगम तमिल लिटरेचर भी उस टाइम का काफी फेमस है ना, और कहीं ना कहीं पे संगम तमिल लिटरेचर जो है वो भी मॉडर्न इन्वेजन के बारे में कुछ कुछ बताता है फार साउथ के अंदर। कलहन की रात तरंगिरी इस टाइम पे संस्कृत लैंग्वेज के अंदर लिखी गई थी, और रात तरंगिरी में क्या मेंशन है, इसमें मेंशन है कि श्रीनगर जो था ना वो अशोका के अंडर में आया करता था। इसी तरीके से आपका मुद्रा रक्षक विशाखदत्ता का मुद्रा रक्षक, ये भी संस्कृत के अंदर है, ठीक है, गुप्ता पीरियड के अंदर लिखा गया था, हालांकि उस टाइम पे लिखा गया नहीं है, लेकिन इसके अंदर मेंशन है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की हेल्प से नंदा डायनेस्टी को खत्म किया था। ये किसके अंदर लिखा हुआ है कभी आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है विशाखादत्त जो है उनके जो मुद्रा राक्षस है जो संस्कृत के अंदर एक ड्रामा है उसके अंदर लिखा हुआ है, जो उनके गुप्ता के टाइम पे लिखी थी। तो कभी क्वेश्चन आ जाता है, 2 स्टेटमेंट आ जाती है कि जो विशाखदत्ता द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस जो ड्रामा है उसके अंदर ये बताया गया है कि कौटिल्य की मदद से किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने किल किया, किसको, नंदा डायनेस्टी को हटाया, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट आ जाती है विशाखादत्त का मुद्रा राक्षक जो है मौर्य काल में लिखा गया, तो आपको दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, पहली स्टेटमेंट सही हो जाएगी, क्योंकि ये गुप्ता के टाइम पे लिखा गया था, गुप्ता पीरियड में लिखा गया था। ऐसे ही आपको पता होगा दीपवंशा और महावंशा, तो दीपवंशा और महावंशा जो क्रॉनिकल्स है पाली के अंदर लिखे गए हैं। कभी पूछा जाए कि दीपवंशा महावंशा है ये कौन से है, ये बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स है ना, एक्चुअली में इनके अंदर वही मेंशन है कि जो उनकी डॉटर वगैरह जो श्रीलंका गई थी, अशोक की डॉटर और जो सन थे वो श्रीलंका गए थे, और फिर वहां पे उन्होंने बौद्ध ट्री इम्प्लांट किया था, उसके बारे में इसके अंदर लिखा हुआ है दीपवंशा महावंशा के अंदर। इसकी लैंग्वेज आपको पाली है, ध्यान रखनी है, पाली लैंग्वेज इज पाली, ठीक है। और मैग्नेस्टीज की इंडिका जो है, तो मैग्नेस्टीज तो आपको पता है कि जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य थे उसके टाइम पे ग्रीक एम्बेसडर हुआ करते थे मैग्नेस्टीज जो थे, ठीक है, और मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल लाइफ के बारे में उन्होंने काफी ज्यादा मेंशन किया है। और जैन 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 स्क्रिप्चर की बात की जाए तो जैन में कुछ स्क्रिप्चर है जिसमें चंद्रगुप्त की और डेथ के बारे में बताया गया है, तो आपको पता होना चाहिए, जैसे हम पढ़ेंगे बाद में जाके भी इन चीजों को, चंद्रगुप्त थे, ठीक है, चंद्रगुप्त के बहुत बेटे हो जाएंगे बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार के बेटे फिर वही हो जाएंगे अशोक वशोक, तो आपको ये ध्यान रखना है बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज नहीं हो रहा है। बिंबिसार जो है वो हरण्यक डायनेस्टी के, बिंदुसार जो है मौर्यन डायनेस्टी के हैं, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र है और बिंदुसार के पुत्र अशोक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी फाइनल स्टेज ऑफ लाइफ के अंदर किस कौन से धर्म को अपनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है धर्म अपनाया है वो जैन धर्म अपनाया है, और बिंदुसार ने फाइनली जाके आजीविका सेक्शन को अपनाया है, और जो आपके अशोक है उन्होंने फाइनली जाके किसको अपनाया था, बौद्ध को अपनाया था। तो ये याद रखना है आपको इस तरीके से इन सब चीजों को, है ना, क्योंकि क्वेश्चन सीधे बन जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया है, ठीक है, वो भद्रबाहु वगैरह थे उनके साथ वो गए थे नीचे, है ना, वगैरह वगैरह, तो आपको याद रखना है वो आजीविका है तो किसने अपनाया है, आजीविका आपका अपनाया है। और सभी ये बोले जा सकते हैं कहीं ना कहीं हेट्रोडॉक्स थे, जितने भी रिलीजन है ये हेट्रोडॉक्स थे। हेट्रोडॉक्स क्या होते हैं, जो मतलब कि चली आ रही परंपराओं को थोड़ा सा चैलेंज करते हैं ना, वो हेट्रोडॉक्स होते हैं। तो बताते हैं कि उस टाइम पे उनका उद्भव क्यों हुआ था, लाइक जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, आजीविका का, इन सब चीजों का। तो इन सब चीजों का यही रीजन था कि बहुत ज्यादा हम बताते हैं कि बहुत ज्यादा ब्राह्मणिज्म बहुत ज्यादा फैलने लगा था, रिचुअल्स बहुत टफ हो गए थे, बहुत महंगे हो गए थे, ब्राह्मण हर रिचुअल को करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा मांगा करते थे, तो मतलब मोक्ष प्राप्त करना अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च करने वाला टास्क हो गया था। तो बाद में फिर रीजन आते हैं जो कि सिंपलेस्ट में मोक्ष प्राप्त करने की बातें करते हैं, तो इस वजह से मतलब इनका सबका ओरिजिन जो था ना, जैन का और धर्म का और फिर क्षत्रिय, सॉरी जैन का, बुद्ध का, इन सबका जो ओरिजिन था वो सभी लोग क्षत्रिय थे, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इनके फाउंडिंग फादर जो है जितने भी बौद्ध जैन के बारे में तो बताते हैं कि स्टार्टिंग बहुत पहले से हुई थी ना, पार्श्वनाथ के टाइम से, ऋषभदेव, ठीक है, पार्श्वनाथ जो भी थे, मतलब स्टार्टिंग अभी बाद में जाकर 24 तीर्थकर होते हैं, महावीर स्वामी तो जो होते हैं वो, और जो महात्मा बुद्ध थे वो फाउंडिंग थे बुद्ध वाले, ठीक है, तो ये सभी क्षत्रिय थे ऐसा बताते हैं कुछ कुछ, है ना। तो
उसके बाद मालवीय का अग्निमित्रा, मैं अभी लिटरेरी सोर्स की बात कर रहा हूँ जिसके थ्रू में मगधन डायनेस्टी मौर्य डायनेस्टी के बारे में पता चल रहा है, तो इसके अंदर ही एक आती है मालवीय का अग्निमित्रा, कालिदास ने लिखी है मालवीय का अग्निमित्रा। और इसके बारे में जो मौर्य रूल था उसमें लास्ट ईयर्स का जो मौर्य रूल था ना उसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद हम और आगे फर्दर बात करें तो कौन कौन से जीनियस थे उस टाइम पे, देखो कौटिल्य उस टाइम पे हुआ करते थे, मैग्नेस्टीनी उस टाइम पे हुआ करते थे, कलहन उस टाइम पे थे, कालिदास उस टाइम पे थे, ठीक है। और जो आपका विशाखा दत्त है ना वो उस टाइम के है नहीं, लेकिन एक्चुअली में वो जो थे उन्होंने गुप्ता काल के अंदर जाके इनके बारे में लिखा है ना, मुद्रा राक्षस के अंदर। तो ध्यान रखना कि दो इंपॉर्टेंट प्ले हैं विशाखा दत्त के, एक तो मुद्रा राक्षस है, एक है आपका देवी चंद्रगुप्तम। तो देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस दो प्ले हैं विशाखा दत्त के हैं, इनको याद रखना है, संस्कृत पॉइट हुआ करते थे, ठीक है, और गुप्ता पीरियड में थे। कालिदास की बात की जाएगी तो कालिदास जो थे वो भी गुप्ता के टाइम पे थे, है ना, तो लेकिन लिखा उन्होंने पीछे वाली चीजों के बारे में, है ना, ये भी ग्रेट पॉइट और ड्रामेटिक हुआ करते थे संस्कृत लैंग्वेज के अंदर। और कालिदास भी नाइन ज्वेल्स ऑफ गुप्ता एम्पायर के अंदर, नाइन ज्वेल्स के अंदर आया करते थे। और ये भी तो कलहन जो थे उन्होंने रात तरंगिनी लिखी है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है रात तरंगिनी के अंदर, ठीक है, तो इसके रात तरंगिनी का मतलब होता है रिवर ऑफ किंग्स। उसके बाद मैग्नेस जो थे वो तो एम्बेसडर थे ही, सेल्यूकस निकेटर ने उनको भेजा था एट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर कौन थे आपको पता है, ये गवर्नर थे जो नियुक्त करके गए थे आपके सिकंदर जो थे वो, है ना, और सेल्यूकस निकेटर ने अरे एम्बेसडर किसने चंद्रगुप्त मौर्य के पास में मैग्नेस को भेजा था, तो इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि कौन मैग्नेस थे कौन सेल्यूकस निकेटर थे कौन अलेक्जेंडर थे। तो अलेक्जेंडर जो आए थे वो इन्वेट करते हुए आए थे, जीता था, तो सेल्यूकस निकेटर को एज ए गवर्नर बना के चले गए थे, और मैग्नेस ने सेल्यूकस निकेटर को, सेल्यूकस निकेटर ने मैग्नेस को एज एम्बेसडर भेजा है चंद्रगुप्त मौर्य के पास, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने केवल पाटलिपुत्र के बारे में नहीं लिखा है अभी तो इसके अपितु, है ना, इसके बजाय इन्होंने और भी कुछ लिखा है, लाइक पूरा जो पूरी जो सोसाइटी थी ना उस टाइम की मॉडर्न सोसाइटी उसके बारे में लिखा है मैग्नस स्नेज ने। कौटिल्य के बारे में आपको पता ही है, इनको चाणक्य भी बोल देते हैं, इनको विष्णुगुप्त भी बोल देते हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, इनको इंडियन मैकियावेली भी बोला जाता है, ठीक है। और इनकी जो बुक होती है वो गुड गवर्नमेंट को किस तरीके की होनी चाहिए ना उस चीज के बारे में बताती है कि गुड गवर्नमेंट होनी कैसे चाहिए, एक अच्छी जो गवर्नमेंट होगी वो कैसी होगी, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर था, ठीक है, और फाइनली मतलब अब कल हम इसको आगे कैरी ऑन करेंगे, और कैरी ऑन करते हुए अब जल्दी से तेजी से जाते हुए जल्दी से हम पूरा सिस्टम को खत्म करते हुए फिर गुप्ता पे आ जाएंगे जल्दी से, और दो क्लासें और लगेंगी मुझे लगता है, दो से क्लास के अंदर हम इसको फिनिश कर देंगे लगभग, कोशिश पूरी रहेगी, हो सकता है तीसरी क्लास भी लग जाए, लेकिन दो में ही कोशिश करेंगे खत्म करने की, ठीक है। तो अभी इसको स्टॉप करते हैं रिकॉर्डिंग को हम, ठीक है।